भगवान की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। जय श्री नारायण। हरि नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्री ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहम् पान भवाधिपोतम् वन्दे महापुरुष से चरणारविन्दम् वंशी पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंद कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा गौरांगम रसभयं नित्यं रसाचार्यं रसो श्रीमद राम हर्षण देवाख्यं सद्गुरु प्रणमाम्यहं जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राम।
आइए मन वाणी को पावन करें प्रभु के पवित्र नाम से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण प्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं
द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिने दुस्त तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करण करुणा वरुणालय तड़त विनंदित पीतांबरधारी भक्त वांशा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ इस परम पवित्र नैमिषारण्य चक्र तीर्थ में आज से शुभारंभ होने जा रहा है। आप और हम निस्संदेह बड़भागी हैं जो गोविंद के गुण गणों की गंगा में गोता लगा रहे हैं, वो भी श्रावण मास में। श्रावण का महीना श्रवण नक्षत्र से प्रारंभ होता है। श्रवण का मतलब है सुनना, तो श्रावण मास का अर्थ ही है श्रवण करना, सुनना। तो श्रावण मास में कथा सुनने सुनाने का विशेष महत्व होता है। गौकर्ण जी ने पहली कथा धुंधकारी के लिए सुनाई थी आषाढ़ मास में, और जब सारे भक्त समुदाय ने निवेदन किया कि महाराज हम भी आपके भैया हैं, हमारा भी कल्याण करो, तो दूसरी जो कथा दोबारा जो गौकर्ण जी ने सुनाई वो श्रावण मास में, वो भी शुक्ल पक्ष में ही सुनाई थी। तो ये श्रावण मास है, ये तो सौभाग्य की बात है ही, उस पर भी ये पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास जिसको कहते हैं। ग्रह नक्षत्र गणनानुसार जो अतिरिक्त समय हो जाता है, तो तीन वर्ष में जो अतिरिक्त समय इकट्ठा होता है वह एक महीना बन जाता है, उसको अधिक मास कहते हैं, उसी को मल मास भी कहते हैं। इस अधिक मास का कोई भी स्वामी बनने को तैयार नहीं हुआ, प्रत्येक मास का कोई ना कोई स्वामी होता है, पर यह अधिक मास हुआ तो इसका कोई स्वामी बनने को तैयार नहीं हुआ। तो भगवान के सामने समस्या आई, भगवान से कहा गया कि प्रभु अधिक मास ने कहा कि मेरा कोई स्वामी बनना नहीं चाहता। भगवान बोले जिसका कोई स्वामी नहीं उसके हम स्वामी हैं, इसलिए हम ही तुम्हारे स्वामी बन जाते हैं। तो अधिक मास के स्वामी भगवान श्री हरि बन गए, इसलिए इसको हरि का नाम मिल गया और इसको पुरुषोत्तम मास भी हम लोग कहने लगे। भगवान पुरुषोत्तम हैं और पुरुषोत्तम प्रभु का ही है अधिक मास है, इसलिए पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इसमें मांगलिक कार्य तो कोई भी नहीं होते, जैसे 16 संस्कारों में कोई संस्कार नहीं, चाहे जनेऊ संस्कार हो चाहे विवाह संस्कार हो, ये संस्कार मांगलिक जो संस्कार हैं वो अधिक मास में नहीं होते, पर चूंकि भगवान ने इसको अपना नाम दिया है इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए जितने भी सत्कर्म करते हों वो अधिक से अधिक करना चाहिए, ताकि भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हो जाए। तो ये भगवान का ही विशेष मास शुभ कर्मों के लिए है, सत्कर्मों के लिए है। तो श्रावण मास उस पर भी पुरुषोत्तम मास अधिक मास, और उस पर भी नैमिषारण्य तीर्थ है, इसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो चर्चा हम बाद में अभी करेंगे। तो आइए पहले हम भगवान का ध्यान करें मंगलाचरण के माध्यम से, फिर विषय वस्तु का प्रतिपादन करेंगे। श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब मिलकर के श्री कृष्ण गोविंद के पाद पद्मों में वारंबार प्रणाम करते हैं।
भगवान कृष्ण कैसे हैं, पहले उनका स्वरूप लक्षण बतलाया, फिर तटस्थ लक्षण बतलाया। स्वरूप लक्षण क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान का स्वरूप है। भगवान सत घन, चित घन, आनंद घन है। घन का मतलब घनीभूत, घनीभूत मतलब ठोस। भगवान विशुद्ध सत, सत स्वरूप है। सत स्वरूप माने जिसमें असत का प्रवेश ना हो, वो सत घन। चित, चित कहते हैं ज्ञान को। भगवान चित घन माने ज्ञान घन है। ज्ञान घन कहने का मतलब जिनके भीतर अज्ञान का किंचित भी प्रवेश न हो, वो ज्ञान घन है। भगवान आनंद घन है। आनंद घन का मतलब जहां दुख क्लेश कष्ट का कोई प्रवेश न हो, वो भगवान आनंद सिंधु, आनंद घन है। तो ये तीनों भगवान में पूर्णतः विद्यमान है, अन्य का कोई स्थान नहीं। इसलिए भगवान को सच्चिदानंद घन कहा जाता है। सतचित आनंद घन है। ये तो हुआ भगवान का स्वरूप। फिर करते क्या है? तो तटस्थ लक्षण बतलाते हुए कहते हैं, विश्वोत्पत्यादि हेतवे। ये सारा विश्व उन्हीं से उत्पन्न है। विश्वोत्पत्यादि, आदि में क्या मतलब? उत्पत्ति आदि, आदि का मतलब पालन और संहार। विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, आदि शब्द में पालन और संहार आ जाता है। उन तीनों के जो हेतु हैं, कारण हैं। ऐसे प्रभु की शरण में जाने से लाभ क्या मिलता है? बोले तापत्रय विनाशाय। हम और आप तीनों तापों में तप रहे हैं। तीनों ताप क्या हैं? आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक। इसी को कहते हैं दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक ताप माने शरीर के ताप। शरीर का ताप दो प्रकार का होता है, दैहिक ताप। एक शारीरिक, एक मानसिक। कुछ लोग शरीर से भयंकर रोगी होते हैं, चला फिरा नहीं जाता, तो शरीर के कष्ट से दुखी होते हैं। कुछ लोग शरीर से स्वस्थ रहते हैं परंतु मानसिक कष्ट से पीड़ित है, मन में कोई ना कोई टेंशन लगा रहता है। टेंशन का मतलब समझते हैं? टेन माने दस और सन माने सूर्य। एक सूर्य तपा रहे हैं तो हमारी खोपड़ी गर्म हो रही है, बाहर निकलना मुश्किल पड़ रहा है। एक सूरज का परिणाम यह है, तो जिसके भीतर हो टेंशन, दस दस सूरज जिसके भीतर तपेंगे उस बेचारे का क्या हाल होगा। तो बाहर से लोग स्वस्थ हैं परंतु भीतर से भयंकर तप रहे हैं, कोई ना कोई टेंशन लगाई रहता है। परंतु यह है दैहिक ताप, दोनों शारीरिक और मानसिक। और दूसरा है भौतिक ताप। भौतिक ताप माने भूत प्राणियों से, सांप बिच्छू काट ले, शेर भालू हाथी जंगल से घर में आ जाए, तो जीव जंतुओं से जो कष्ट मिलता है उसको भौतिक ताप कहते हैं। महुक ने काट लिया, मधुमक्खी ने, मुंह सूज जाता है, ये सब भौतिक ताप है। और तीसरा है दैविक ताप। भूकंप आ गया, घर हिल गया, ओलावृष्टि हो गई, फसल चौपट हो गई, बाढ़ आ गई, सब बह गया, ये सब दैविक ताप है। तो इन तीन तापों में सारे संताप आ जाते हैं। तो तापत्रय विनाशाय, इन तीनों प्रकार के तापों का जिनकी चरण शरण ग्रहण करते ही तत्क्षण निवृत्ति हो जाती है, तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी जो जन्म लेते ही सन्यासी बन करके चले गए थे, ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी के श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। नेम से सुतमासीन
मभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलशौनको ब्रवीत। नेमिषे, नेमिषारण्य में जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, जितनी भी पुराणों की कथाएं हैं सब इसी पवित्र भूमि नैमिषारण्य से ही प्रारंभ होती है, चाहे वो सत्यनारायण की ही कथा क्यों ना हो। सत्यनारायण की कथा का भी शुभारंभ यहीं से होते हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय। ये नैमिषारण्य क्या है? नैमिषे अनिमिषक क्षेत्रे, इसको अनिमिषक क्षेत्र कहते हैं। अनिमस, देखो निमिष का मतलब जानते हैं, पलक जो झपकती है हमारी, ये इसको निमिष कहते हैं। इसको निमिष क्यों कहते हैं? निमि महाराज सूर्यवंशी राजा हुए हैं, नवम स्कंद में उनकी कथा है। निमि महाराज बड़े प्रतापी थे, बड़े धर्मात्मा थे, और सूर्यवंश के गुरु जी हैं वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ जी के पास जाकर के बोले, गुरुदेव हम एक विशाल यज्ञ करना चाहते हैं, आप कृपा करें वो यज्ञ संपन्न करवावें, हमारा मनोरथ सिद्ध करें। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन हमारा स्वर्ग से देवराज इंद्र का बुलावा आया है, हम उनके पास जा रहे हैं, उनसे मिलके जब लौटेंगे तब तुम्हारा यज्ञ हम संपन्न करवाएंगे, तब तक प्रतीक्षा करो। ठीक है महाराज, अब गुरु जी से ज्यादा बोल नहीं सके और राजा महलों में चले गए, और गुरु जी स्वर्ग चले गए इंद्र के पास। अब निमि के मन में ये विचार आया, शुभ संकल्प जो मन में आवे उसे जितना हो सके जल्दी संपन्न कर लेना चाहिए। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। मन का कोई भरोसा थोड़ी होता है, आज आपका मन है कि ये करें और कुछ दिन हो गए सो ही मन बदल जाता है। हाँ इच्छा तो थी, परंतु अब तो ये प्रपंच आ गया, वो झंझट आ गया, इसलिए फिर कभी देखेंगे, और फिर दोबारा मन होगा कि नहीं होगा कि कब होगा कोई ठिकाना नहीं, और शरीर का भी भरोसा नहीं एक क्षण में कब जैसी आराम हो जाए। इसलिए शुभ संकल्प मन में आवे तो जितना हो सके जल्दी कर लेना चाहिए। यदि आपका कोई साथी विदेश चला जाए तो भी मन होता है कि न जाने कब लौट के आएगा, भरोसा नहीं। तो निमि महाराज ने भी सोचा, ये विदेश नहीं, ये तो सीधे स्वर्ग गए हैं देवराज इंद्र के पास, अब गुरु जी कब लौटेंगे कोई ठिकाना नहीं। अच्छा, हम लोगों का एक वर्ष और देवताओं के स्वर्ग का एक दिन होता है। हम लोग जिसे उत्तरार्ध कहते हैं, उत्तरायण, ये देवताओं का दिन है, और जो हम दक्षिणायन कहते हैं ये देवताओं की रात है। तो 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन, तो हमारा एक साल पूरा और उनका एक दिन। तो गुरु जी गए हैं तो फिर वो उनका एक दिन, हमारा तो एक साल में बीतेगा, अब कब लौटेंगे कोई ठिकाना नहीं। इसलिए उन्होंने अन्य आचार्यों का आश्रय लेकर के निमि महाराज ने अपना यज्ञ संपन्न करवा लिया, जो मनोरथ था पूरा कर लिया। आप विदेश से घूम के आए स्वर्ग से हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी, तो वशिष्ठ जी आते ही निमि महाराज के पास पहुंचे, बोले राजन ओ हम स्वर्ग से वापस आ गए, अब बोलिए यज्ञ कब करवा रहे हैं। तो निमि महाराज ने कहा, गुरु जी क्षमा कीजिए, हम तो यज्ञ करवा लिए। यज्ञ करवा लिए? अरे हम आपके पुरोहित हैं और हम आपको स्वीकृति दे के गए थे कि हम लौट के तुम्हारा यज्ञ करवाएंगे, तो हमसे अनुमति लिए बिना तुमने अपने आप अपने ढंग से यज्ञ कैसे करवा लिया? क्रोध आ गया वशिष्ठ जी को, ये तुमने हमारा अपमान किया है, अनादर किया है। एक बार जिस ब्राह्मण को न्योत दो, नारियल सौंप दो, बात पक्की कर दो, तो फिर उसे बिना अनुमति लिए कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो न्योता हुआ ब्राह्मण बैठा है, और तुमने तब तक किसी और को किसी कारणवश न्योत करके काम करवा लिया तो उसका मूड खराब हो ही जाएगा, और वो भी उसमें भी पुरोहित वशिष्ठ जी। तो
पहले पुरोहितों का बड़ा महत्व होता था, कुल पुरोहित, जो भी यजमान का कार्य है वो कुल पुरोहित के मार्गदर्शन में ही होता था, उनकी कृपा के बिना, उनकी आज्ञा के बिना, उनके मार्गदर्शन के बिना कोई काम नहीं होता था। तो वशिष्ठ जी इतने नाराज हो गए कि नीमी को शाप दिया, जाओ तुम्हारा शरीर छूट जाए, एक तरह से तुम मर जाओ। नीमी ने कहा, जय हो गुरु जी महाराज, हमने कोई बुरा काम तो नहीं किया था, हमारा जो संकल्प था हमने पहले आपको ही बताया, आपके पास फुर्सत नहीं थी, आपको तगड़ा यजमान मिल गया इंद्र जैसा, तो तुम चले गए हमको छोड़ करके, तो हमने अपना संकल्प यदि पूरा करवा लिया तो इसमें आपको इतना क्रोध करने की क्या जरूरत, हम ही तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा भी शरीर छूट जाए। लो, गुरु चेला में हो गई खटपट, दोनों का शरीर छूट गया। बोलो जय सियाराम। जय सी, बीच बीच में जरा बोलते रहिएगा आप भी, जब हम बुलवाएं तभी, क्योंकि कथा में दो विघ्न बहुत आते हैं, कथा सुनते सुनते कब समाधि लग जाए पता ही नहीं चलता, निद्रा देवी आकर के तुरंत ही बैठती हैं, और निद्रा देवी कुछ कथा में ज़्यादा आती हैं, एक बार नींद की गोली भले ही काम ना करे पर कथा बड़ा जोरदार काम करती है। तो जय सियाराम या जय श्री कृष्ण कहती आप जब जोर से बोलेंगे तो पड़ोसी की भी झक्की खुल जाया करेगी। और दूसरा विघ्न है मनी राम जी का, कथा सुनते सुनते मनी राम जी कब किसका हिसाब करने चले जाएं, इनका भी कोई भरोसा नहीं, एक मिनट में इधर से उधर भागते हैं, तो मनी राम जी भागने ना पाए और निद्रा देवी यहाँ आने ना पाए, इन दोनों का एक ही उपाय है कि बीच बीच में कुछ बोलते जाएं, जय सियाराम। तो मैं निवेदन कर रहा था कि दोनों गुरु चेला में सापा सापी हो गई, दोनों का शरीर छूट गया। तो बाद में गुरुजी ने तो दूसरे रूप में अपना शरीर धारण किया, दूसरा शरीर धारण किया, और निमी महाराज जो थे जिनका शरीर छूटा वो पलकों में विराजमान हो गए। पहले तो मंथन किया, मंथन करने से जो बालक पैदा हुआ उसका नाम जनक पड़ा, जनक माने पिता होता है, तो उस बेटे का बाप कौन हुआ, वो तो अपने शरीर से ही प्रकट हुआ था, इसलिए उनका नाम जनक पड़ा, और इस कुल में जितने भी राजा हुए वो सब जनक ही कहलाए, बहुलासो जनक, सीरध्वज, धर्मध्वज, कुशध्वज, ये सब जनक जी की परंपरा के। राम जी जिन जनक जी के यहाँ जाके धनुष तोड़ के जानकी जी के साथ विवाह रचाए, उन जनक जी का नाम था सीरध्वज महाराज। जनक तो प्रत्येक राजा के सामने जैसे गोत्र लगाया जाता है परंपरा अनुसार, ऐसी सबके नाम में जनक लगाओ, सब जनक के नाम से ही जाने गए, परंतु मूल नाम उनका था सीरध्वज महाराज, सीरध्वज जनक, और जनक की बेटी होने के नाते जानकी नाम पड़ा, वैसे नाम उनका सीता जी था। उसी प्रकार हमारे कृष्ण कन्हैया भी द्वारकाधीश बन के जनक जी के घर गए थे, आगे प्रसंगों में आप सुनेंगे। तो जिन जनक जी के यहां द्वारकाधीश कृष्ण गए उन जनक जी का नाम था बहुलास्व जनक। इस प्रकार से इस परंपरा में जितने भी राजा हुए सब जनक के नाम से ही जाने गए, परंतु जो जिनका शरीर छूटा था वो निमी महाराज थे, वो निमी महाराज सबकी पलकों में विराजमान हो गए, इसलिए इनका नाम निमिष पड़ गया। जो पलक गिरती हैं वो निमी महाराज के प्रभाव से ही गिरती और उठती हैं, इसलिए निमी के उपस्थिति में वो पलक गिरते हैं, अतः उनका नाम निमिष पड़ गया। एक निमिष कहते हैं ना, एक निमिष माने पलक गिरने का समय, और इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा ना, पलक हूं पलकन हूं पर हरि निमेषे। जब राम जी ने जानकी जी को, जानकी जी ने राम जी को एक दूसरे को निहारा पुष्प वाटिका में मिथिलापुरी में, तो दोनों की पलकें गिरना बंद हो गई। पलकन हूं पर हरि निमेषे, दोनों की पलकें निमिष रहित हो गई, माने गिरना उठना बंद हो गई। अपलक निर्निमेष नयनों से निरंतर एक दूसरे को निहारने लगे, पलक गिरना बंद क्यों हो गई। अब इस पर भी उत्प्रेक्षा आचार्यों ने करी, बोले भाई
जानकी जी कौन हैं? जनक वंश की बेटी हैं और निमी महाराज के वंश में जानकी जी हुई हैं और वो पहली बार अपने प्रियतम को निहार रही हैं। तो भैया, जब बेटा बहू या बहू बेटा दामाद या बेटी दामाद मिल रहे हों तो बूढ़े बुजुर्गों को वहाँ से हट जाना चाहिए। तो निमी महाराज ने देखा हमारे कुल की कन्या अपने प्रियतम को प्रथम बार निहार रही हैं, ऐसे प्रसंग में हमारा रहना ठीक नहीं। तो जो निमी महाराज पलकों में बैठे थे वो स्थान छोड़ करके चले गए और जब निमी महाराज चले गए तो पलकों का गिरना उठना बंद हो गया, अपलक हो गए। बोलो जय सियाराम। पलकन हूँ पर हरि निमेषे, इसलिए पलक गिरना बंद हो गए। और इस भूमि का नाम है नैमिषारण्य। नैमिषे निमिषक क्षेत्रे, अनिमिषक क्षेत्रे नैमिषे। अनिमिषक क्षेत्र, अनिमिष नाम भगवान विष्णु का है। क्यों? हमारी आपकी पलकें गिरती उठती हैं पर हमारे प्रभु की पलकें कभी नहीं गिरती। भगवान नारायण की पलक कभी नहीं गिरती, इसलिए उनका नाम अनिमिष। अनिमिष माने जिनकी पलकें न गिरे। तो नैम से अनिमिषक क्षेत्रे, नैमिषारण्य क्या है? अनिमिषक क्षेत्र है, माने भगवान श्रीमन नारायण का क्षेत्र है, श्री हरि का यह परम पुण्य क्षेत्र है, इसलिए इसको अनिमिषक क्षेत्र कहते हैं। ऋषयः शौनकादयः, शौनक हैं आदि में जिनके ऐसे 88,000 महात्मा यहां इकट्ठे हो गए। अरण्य कहते हैं जंगल को, ये पहले जंगल ही था। तो 88,000 महात्मा जब इकट्ठे हो गए तो एक विचार हुआ, किस विषय पर? बोले चलो कोई लंबा चौड़ा सत्संग सत्र किया जाए। कितने दिन का सत्र होना चाहिए? बोले 1,000 वर्षों का। अब हम लोगों की तो 100 साल की पूरी उम्र ही है, तो 7 दिन का समय ही हमारे लिए पर्याप्त है। पर वो महात्मा लोग जो इकट्ठे हुए थे वो 50,000 10,000 वर्ष की उम्र वाले महात्मा थे, तो दीर्घायु संपन्न महात्मा थे, इसलिए बोले 1,000 वर्ष का सत्संग होना चाहिए। तो भैया 7 दिन की कथा के लिए हम लोग कितना खोजबीन करते हैं कि कौन सी जगह बढ़िया होगी जहां 7 दिन आनंद से कटे। तो जब 1,000 वर्षों का सत्संग सत्र है तो कितना विचार किया जाएगा कि 1,000 वर्ष तक कोई विघ्न बाधा ना आवे, ऐसी कोई जगह चुना जाए। तो बुद्धि कामना करे कि ऐसी कौन सी पवित्र जगह है जहां 1,000 वर्ष का सत्संग चले। तो कुछ गणमान्य ऋषियों को नियुक्त किया गया कि आप पता लगाओ। और महात्मा लोग सीधे विधाता ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने स्वागत किया, आइए पधारिए, कैसे आना हुआ? तो ब्रह्मा जी से कहा, महाराज हम 1,000 वर्ष का सत्संग सत्र चलाना चाहते हैं, तो कौन सी भूमि परम पवित्र होगी वो कृपा करके आप बताइए, यही जानने के लिए आए। तो ब्रह्मा जी चूंकि सृष्टि करता है, सारी सृष्टि उन्हीं की रची हुई है, तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र का निर्माण किया और कहा कि देखो हम इस चक्र को छोड़ रहे हैं, तुम इसके पीछे पीछे चलो और इस चक्र में जो नेमी लगी है वह चक्र की नेमी जिस स्थान पर चल के रुक जाए वही भूमि परम पावन पवित्र है, ये जान लेना। जैसे आजकल भी बहुत से शोधकर्ता विद्वान होते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम कुआं खुदवाना चाह रहे हैं, महाराज ये बताओ कहाँ पानी निकलेगा? तो वो लोग भी नारियल के माध्यम से और कई उपकरण होते हैं जिसके माध्यम से घूम करके बता देते हैं कि देखो यहाँ पर पानी निकलेगा, हमारा यंत्र बता रहा है कि यहाँ पर्याप्त जल है। तो जैसे यंत्रों के द्वारा जल का पता चल जाता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी के बनाए चक्र के द्वारा पवित्र भूमि का पता लग जाएगा। आप इसके पीछे पीछे चलिए। तो ब्रह्मा जी का भेजा हुआ चक्र चला और पीछे पीछे महात्मा चले। चक्र घूमते घूमते भारत भूमि पर आया और जैसे ही भारत भूमि से चलते चलते इस अरण्य में, अरण्य माने जंगल, इस वन में आकर के वह चक्र एक
पवित्र भूमि पर आकर के उस चक्र की नैमी इस अरण्य में आकर के रुक गई, इसलिए इसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। बोलो जय सिया राम। तो चक्र की जो नैमी है जिस अरण्य में जाकर के गिरी उसी का नाम नैमिषारण्य, और चूंकि चक्र यहाँ गिरा है इसलिए इसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। आपने दर्शन किए ही होंगे, चक्र तीर्थ पास में ही है, जहां पर चक्राकार चक्र की आकृति का ही वो जल है जो घूमता रहता है, इसलिए उसमें स्नान करने का एक बहुत महत्व है, वह परम पावन पवित्र तीर्थ है। बोल चक्र तीर्थ की नैमिषारण्य की। तो यहां पर 88,000 ऋषियों ने अपना अपना डेरा जमा लिया, बोले बस निर्णय हो गया, भूमि यही निश्चित है। तो सूत जी महाराज को व्यास पीठ पर बरगद के नीचे विराजमान कर दिया गया, वो व्यास गद्दी कहलाई। यहां पे भी अभी भी व्यास गद्दी प्रसिद्ध है, और ये तो वेद व्यास धाम है, ये तो परम पूरा नैमिषारण्य भूमि परम पावन वेद व्यास जी की ही भूमि है। तो एक विशिष्ट बट की छाव में व्यासपीठ बना दी गई, और यहां पर 88,000 महात्मा इकट्ठे होकर के बैठ गए। देखो आजकल के युग में तो यंत्र की प्रधानता है, माइक है, सब सुविधाएं हैं, परंतु उस समय तो ये सब यंत्र नहीं थे, इसलिए अरण्य को चुना गया, क्योंकि जंगल की विशेषता है आज भी, जहां घोर जंगल हो आप जोर से आवाज लगाओ तो दूर तक आवाज गूंज जाती है। तो जंगल में कथा कहने से माइक की जरूरत नहीं पड़ी, शांत चित्त होके संत बैठते थे, दूर दूर तक आवाज अरण्य की वजह से, जंगल की वजह से गूंजती थी। दूसरी बात, बरगद के नीचे कथा हुई, क्योंकि बरगद पूरा पांडाल का काम करता है, बरगद की छाया में ये विशेषता होती है कि शीत काले भवेत उष्णम, उष्ण काले तु शीतलह, गर्मियों में बरगद के नीचे बैठ जाओ तरावट मिलेगी, और सर्दियों में बैठोगे तो गर्माहट मिलेगी, प्राकृतिक एसी फिट है, भगवान ने बरगद को ये सुख दिया है, इसलिए बरगद के नीचे सब। बरगद की विशेषता है वो फैलता जाता है, उसकी जो जड़ें निकलती हैं वो जमती जाती हैं और उसकी शाखाएं बढ़ती जाती हैं, तो पूरे पांडाल का काम करता है। तो महात्मा उसी की छाँव में बैठ करके और फिर कथा कहना प्रारंभ किए। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः। सूत जी महाराज कहते हैं महामतिम नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम। सूत जी महाराज महान विद्वान है, परम विद्वान है, इसलिए उनको व्यासपीठ पर बैठाया गया। और सौनक जी जो मुख्य श्रोता हैं वो कैसे हैं, कथामृत रसास्वाद कुशलः, भगवान का कथामृत पान करने में परम प्रवीण है, कथा सुनने की कुशलता भी सब में नहीं होती। बोलो जय सिया राम। महाराज कथा सुनने में कुशलता की क्या जरूरत है, शांति से बैठ के सुनो। बोले नहीं नहीं, कथा सुनना भी सबको नहीं आता। श्रोताओं का विशेषण क्या है, श्रोता बुद्धिमान वह है जो विज्ञ होते हुए भी अज्ञ बन करके सुने। श्रोता कितना भी विद्वान हो पर सुनते समय बिल्कुल अपने को अनाड़ी बना करके सुने, तभी वह कुछ धारण कर पाएगा। कि श्रोता के मन में ये भाव यद है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैंने इतनी कथाएं सुनी हैं, मैंने इतने ग्रंथ पढ़े हैं, तो वक्ता के श्रवण में उसकी जिज्ञासा और धारण करने की मनस्थिति कम होगी, बल्कि परीक्षा लेने की मनस्थिति ज्यादा होगी। तो वो परीक्षक बन के न सुने, बल्कि कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो जब ध्यान से सुनेगा तो कुछ ना कुछ उसे अवश्य प्राप्त होगा। हनुमान जी महाराज को देखो, सकल गुण निधान है, किसी भी व्यक्ति में सकल गुण नहीं होते, एक गुण पर ही व्यक्ति पूज जाता है। आप में कोई एक गुण आ जाए
तो गुणा पूजा स्थानम गुणिसु नच लिंगम नच भया। समाज में गुण की पूजा होती है, व्यक्ति की नहीं होती। आप में कोई भी एक गुण बढ़िया है तो संसार के लोग आपका सम्मान करेंगे। ये बड़े सुंदर गायक हैं, ये बहुत बढ़िया वादक हैं, ये बहुत अच्छे विद्वान हैं, कोई भी गुण एक हो तो। गुणा पूजा स्थानम, पूजा का स्थान कौन है? गुण। पर हनुमान जी में एक गुण नहीं है, सकल गुण निधानम। जितने दिव्याति दिव्य गुण हैं हनुमान जी में एक साथ विराजमान है। पहलवानों की बात करो तो अतुलित बल धामम, कितना बल है कोई तराजू नहीं है जो तोल सके। अतुलनीय बल के भंडार हैं। और जो ज्यादा पहलवान होते हैं, बलवान होते हैं, वो बहुत अधिक बुद्धिमान नहीं मिलेंगे आपको। पहलवान व्यक्ति बुद्धिमान नहीं मिलेगा और बुद्धिमान व्यक्ति पहलवान नहीं मिलता। परंतु हनुमान जी पहलवानों में अतुलित बल धाम हैं। और बुद्धिमानों की बात करो तो बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में परम वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। पढ़े लिखे विद्वानों की बात करो तो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य हैं। और प्यारे प्रभु के भक्तों की बात करो तो रघुपति प्रिय भक्तम, ठाकुर जी के सबसे लाडले प्यारे दुलारे भक्त भी हैं। अंत में गोस्वामी जी को कहना पड़ा, आपके एक के गुण हम कब तक गिनाएं सरकार। सकल गुण निधानम, दिव्याति दिव्य समस्त गुण आप में एक साथ विराजमान हैं। ऐसे हनुमंत लाल जी। परंतु इतने विद्वान और सकल गुण निधान हो करके भी जहां जहां राम जी की कथा होवे सबसे पहले दौड़ के सुनने के लिए आसन जमाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वास्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। जहां कहीं भी प्रभु के गुण गाए हनुमान जी सबसे पहले श्रोता बन के विराजमान हो जाते हैं। बोलो आज तक कोई ऐसा वक्ता है जो हनुमान जी को ऐसी कथा सुनाए जो हनुमान जी ने न सुनी हो? ये तो अनादिकाल जब से पैदा हुए तब से कथा सुन रहे, और भगवान की कथा ही इनका आहार है। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो भगवान के चरित्र सुनने के परम रसिक हैं हनुमंत लाल जी महाराज, इसी में रसास्वादन करते। तो कहने का मतलब हनुमान जी की तरह हमको भी सुनना सीखना चाहिए कि हमको थोड़ा भी ज्ञान हो जाए तो ज्ञान के अभिमान में हम हर किसी को सुनना नहीं चाहते, ये हमको क्या सुनाई। हनुमान जी सकल गुण निधान होते हुए भी सुनने को भागते हैं। और वक्ता को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ प्रभु की कथा होगी वहाँ हनुमान जी अवश्य विराजमान हों। और हनुमान जी जब कथा सुनते हैं तो वक्ता को भी सावधान होकर सुनाना चाहिए, कहीं कोई अशास्त्रीय बात हमारे मुंह से न निकल जाए जो हनुमान जी को चुभ जाए। कहीं हनुमान जी का सुनते सुनते मूड खराब हो गया तो बोलो वक्ता का क्या हल होगा। काले नेम ने कथा सुनाई हनुमान जी को, तो हनुमान जी तो कथा के प्रेमी थे, सुनने बैठ गए। पर काले नेम ने जब गड़बड़ करने की कोशिश करी कि पहले दीक्षा लो, सही हनुमान जी ने उठा करके जो पटका वो तो मकरी ने सावधान कर दिया। तो भक्तों को भावुकता से कोई भी ठग लेता है, तो हनुमान जी तो परम भक्त थे और कथा के द्वारा ठग लिया काल नेम ने,
परंतु भगवान की कृपा से मकरी ने सावधान कर लिया कि ये कथावाचक नहीं है, पाखंडी है। सो हनुमान जी ने कहा, महाराज अब दीक्षा हम बाद में लेंगे, पहले दक्षिणा हमसे आप ले लो। सो हनुमान जी ने पूछ में लपेट करके जय सी आराम कर दिया। काली ने हमको पूरी दक्षिणा दे दी एक साथ। बोलो राधे राधे। तो कहने का तात्पर्य है, इसलिए कथावाचक को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी कथा में हनुमंत लाल जी भी सुन रहे हैं। कोई निरर्थक शब्द, कोई भी अशास्त्रीय वचन हमारी वाणी से ना निकले। और श्रोताओं को हनुमान जी की तरह कथा सुनना चाहिए। तो कथा अमृत रसा स्वाद कुशल सौनक। सौनक जी कथा सुनने के बड़े कुशल हैं। बड़े भाव के साथ सूत जी को प्रणाम करके प्रश्न कर रहे हैं। इसी नैमिषारण्य की पुण्य भूमि। अच्छा, इसका नाम नैमिषारण्य जो पड़ा वो तो आपने सुन लिया, पर इसका आध्यात्मिक संकेत भी समझ लीजिए। क्योंकि जो भौतिक है बाहर, वह भीतर भी है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में भी है। जब भी आपको सत्संग करना हो, सत्संग किसे कहते हैं? सत स्वरूप परमात्मा है। सत उसे कहते हैं जिसकी सत्ता तीनों कालों में रहे, आज भी हैं, कल भी थे और हमेशा रहेंगे। तो जो तीनों कालों में सदा रहे उसको कहते हैं सत। जो आज है वो कल का ठिकाना नहीं, वो है असत, मिथ्या। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जगन मिथ्या क्यों है? जैसा आज आप देख रहे हैं ऐसा ये न तो पहले था और न हमेशा ऐसा रहेगा। ये संसार परिवर्तनशील है। परमात्मा तीनों कालों में एक रस हैं, इसलिए परमात्मा ही सत हैं। और सतरूप परमात्मा के साथ जिसका संग हो जाए उसका नाम है सत्संग। बोलो राधे राधे। संग में और साथ में भी अंतर है। हम और आप साथ साथ बैठे हैं, साथ और संग में अंतर क्या है? जो शरीर के पास बैठे उसका नाम साथ, हम और आप साथ साथ बैठे हैं। पर जो तुम्हारे मन में बैठ जाए उसका नाम है संग। जो व्यक्ति या जो वस्तु तुम्हारे मन में बैठ जाए उससे आपका संग हो गया। जैसे हम और आप साथ साथ बैठे हैं, अब चक्की तीर्थ में हम नहाने गए और आप में से कोई वहां मिल गया और उसने कहा महाराज पहचाना हमको, तो हम कह सकते हैं भैया क्षमा करना हम नहीं पहचाने आपको। अरे महाराज 3 घंटे तुम्हारे सामने बैठे रहे फिर भी नहीं पहचान पा रहे। तो भैया आप हमारे पास बैठे रहे ये सही बात है, परंतु हम इसलिए नहीं पहचान सकते क्योंकि अभी आप हमारे मन में नहीं बैठे। आप पहचानेंगे उसी व्यक्ति को जो तुम्हारे मन में बैठ गया हो, वह 5 साल के बाद में भी मिलेगा तब भी आप पहचान लोगे। क्योंकि मन में, चित्त में, चित्त का क्या है, चित्त का अर्थ क्या होता है, इसी को कहते हैं चित्र केतु, जो हिसाब किताब सब रखता है, किसने क्या पाप किए क्या पुण्य किए, ये यमराज को हिसाब कौन देता है? बोले चित्र केतु देता है, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त नाम है इसका है? तो ऐसे ही भगवान ने गुप्त रूप से ये चिप कार्ड हमारे भीतर फिट कर रखा है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब इसमें रिकॉर्ड होती रहती है। जैसे चिप कार्ड होता है ना, मोबाइल में डाल देते हैं या कंप्यूटर में, तो लाखों फोटो उसमें चिपक जाते हैं। छोटा सा होता है पर कितने फोटो उसमें चिपक जाते हैं। ऐसे ही ये चित्रगुप्त है जो हमारे भीतर ऐसा चिप कार्ड भगवान ने बना रखा है कि बचपन से लेके अब तक हमने न जाने कितने लोगों को इस चिप कार्ड में भर रखा है। तो जो इसमें भरा है वही हम पहचान पाएंगे, जो इसमें सेव नहीं किया उसे आप नहीं पहचान पाएंगे, भले ही उसके साथ आप कितने घंटे रहे हो। तो जो साथ साथ रहे उसका नाम साथ है, और जो तुम्हारे मन में बैठ जाए उसका नाम है संग। मन से संग होता है, तन से साथ होता है। इसलिए सत्संग नाम पड़ा। सत रूप परमात्मा को
जो अपने मन में बैठा ले या जिस साधन के द्वारा तुम्हारे मन में भगवान विराजमान हो उसी का नाम सत्संग है। और आप हम सत्संग कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के माध्यम से, क्योंकि इन चरित्रों को सुनते सुनते हरि तुम्हारे हृदय में विराजमान होंगे। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये, इसलिए इसका नाम सत्संग है। बोलो राधे राधे। तो सत का जो संग करावे उसका नाम सत्संग। तो जब भी आपके मन में सत्संग की इच्छा हो तो जो महात्माओं ने किया वो आप करो। महात्माओं ने क्या किया? बोले ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज पहले जगह बताओ, स्थान बताओ कहां पर सत्संग किया जाए। तो ये ब्रह्मा जी कौन है? विवेकाधिष्ठित जो बुद्धि है वही ब्रह्मा है। बुद्धि तो सबके पास है, परंतु हमें सत्संग करना है तो किस बुद्धि से परामर्श लिया जाए? जो हंस पर, ब्रह्मा जी का वाहन कौन है? हंस। ब्रह्मा जी हंस पर विराजमान है। हंस का अर्थ क्या होता है? नीर क्षीर विवेकी, जो दूध और पानी को अलग अलग कर दे उसका नाम है हंस। उसी प्रकार बुद्धि कैसी हो? बोले सत और असत का जो विवेक रखती है उस बुद्धि को पंडा बुद्धि कहते हैं। सत असत विवेकिनी बुद्धि पंडा सा अस्य संजाता सपंडितः। पंडित शब्द का अर्थ क्या है? जिसकी बुद्धि में सत और असत का विवेक रहता हो, ऐसी विवेकाधिष्ठित जो बुद्धि है जिसके पास, उसको पंडित कहते हैं। तो सबसे पहले कथा में हम पंडित जी से मुहूर्त निकलवाने जाते हैं, ऐसी हमें किसी विद्वान, सत असत का विवेक रखने वाले किसी बुद्धिमान व्यक्ति से परामर्श लेना चाहिए कि हम सत्संग कहाँ करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा हम चक्र छोड़ रहे हैं, ये चक्र जहाँ चलते चलते रुक जाए वही भूमि पवित्र है। तो ये चक्र क्या है? हमारा जो मन है ये मनश्चक्र है। मन हमारा बड़ा चंचल है, ये घूमता ही रहता है इधर से उधर। तो विद्वान आपको बताएंगे कि सत्संग वही, सत्संग की भूमि वही उत्तम है जहां तुम्हारा चंचल मन स्थिर हो जाए, रुक जाए, ठहर जाए, वही भूमि सर्वोत्तम है। आपने अनुभव किया होगा कहीं बैठ करके बिल्कुल भी मन नहीं लगता, उच्चाटन होता है चलो यहां से, और कहीं कहीं किसी दिव्य संत महापुरुष के पास जाके बैठ जाओ और महाराज जी कहने भैया जाओ ज्यादा भीड़ मत लगाओ, बस हो गया। महाराज जी ना कुछ बोल रहे ना आपको कुछ खिला पिला रहे, वहां कुछ नहीं मिल रहा तुम्हें, पर फिर भी आपका मन वहां से उठने का नहीं हो रहा कि बस महाराज थोड़ी देर और बैठेंगे फिर इन के चले जाएंगे। तो जब वो कुछ बोल भी नहीं रहे, कुछ दे भी नहीं रहे, तो फिर क्यों बैठे हो भाई? तो किसी महापुरुष, तपस्वी तेजस्वी विद्वान महापुरुष के सानिध्य में तुम्हारे चित्त को चैन मिले, मन को ठहराव मिले, एक अपूर्व आनंद की सुखानुभूति हो, तब जान लो यही भूमि सत्संग की है। यहां सत्संग करना चाहिए, यहां कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा, वही नैमिषारण्य भूमि है। तो ये भौतिक दृष्टि से तो ये नैमिषारण्य है, और आध्यात्मिक दृष्टि से वह नैमिषारण्य है जहां किसी सत्पुरुष के सानिध्य में आपके मन का चक्र ठहर जाए, रुक जाए, उसको एक शांति का अनुभव हो, तो जान लो आपका नैमिषारण आ गया। और उस नैमिषारण में फिर भगवत चर्चा प्रारंभ करो, भगवान के विषय में जिज्ञासा करो, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवत प्राप्ति का मार्ग जानने की इच्छा हो, भगवत तत्व को पाने की इच्छा हो, वही तो जिज्ञासा है, वही सत्संग है। तो आज सौनक जी ने सूत जी महाराज को व्यासपीठ पर प्रणाम करते हुए कहा, महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान से भरा हुआ है। अज्ञान क्या है? अंधकार। और ज्ञान क्या है? प्रकाश।
तो सरकार हमारा हृदय तो अज्ञान के अंधेरे से भरा है और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान दिव्य ज्ञान का प्रकाश है, इसलिए हे सूत जी महाराज अपने ज्ञान का प्रकाश वाणी के द्वारा हमारे कर्ण कोहरों में डालिए ताकि हमारे जन्म जन्मांतर का अंधकार हृदय से मिट जाए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान रूपी अंधकार को विध्वंस कीजिए अपने ज्ञान के प्रकाश से। गुरु उसी को कहते हैं, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो तुम्हारे अज्ञान के अंधकार को मिटा के तुम्हारी आंखों में ज्ञान का अंजल लगा दे वही सच्चा गुरु है। गुरु में दो अक्षर हैं और वो गु का मतलब होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। गुकार अंधकार स्यात् रुकारस्तन निरोधक अंधकार प्रकाशत्वात् गुरु इत्यभिधीयते। जो हमारे अज्ञान के अंधकार को मिटाकर हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश भर दे उसी का नाम गुरु है। तो आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है महाराज, इसलिए आपको सारे रहस्य मालूम है, इसलिए आपके पास ज्ञान का भंडार है। क्योंकि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, गुरु की आपके ऊपर विशेष कृपा है। संसार में बहुमूल्य रत्न होते हैं, मणियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, मणि। और मणियों में भी भेद होते हैं, श्यमंतक मणि, चिंतामणि, कौस्तुभ मणि। तो एक चिंतामणि होती है, चिंतामणि का मतलब उस मणि को अपने सामने रख करके जिस वस्तु का चिंतन करो वही वस्तु तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। ऐसी एक है कल्प वृक्ष हैं, तो वक्ता को लगता है मैं क्या क्या सुना दूं, क्योंकि श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता, और श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता। बोलो राधे राधे, राधे राधे। इसलिए वक्ता को कथा तो श्रोता कहलवाते हैं। सौनक जी देखो, वक्ता के प्रति जब श्रद्धा होती है, बड़ी जिज्ञासा के साथ श्रोता सुनता है, तो वक्ता के हृदय में अपने आप भावों का संचार होने लगता है, उत्साह बढ़ने लगता है। तो सौनक जी के इस जिज्ञासा से सूत जी बड़े खुश हो गए। महात्माओं सावधान तया श्रणु, मैं जो सुना रहा हूं सब शास्त्रों का सार है, सावधान होकर के सुनना। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ की रेण भाषितम। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, ये सारा संसार एक न एक दिन काल के गाल में जाने वाला है। काल ब्याल मुख ग्रास, ब्याल माने सर्प, काल रूपी महासर्प के मुख में संसार के समस्त जीव धीरे धीरे चले जा रहे हैं। हम कहते हैं हम 50 साल के हो गए, हम 55 साल के हो गए, हम 60 साल के हो गए, बड़े नहीं हो गए, आपकी उम्र घट गई, आपकी उम्र के जितने वर्ष थे उनमें इतने कम हो गए, तो बड़े हो गए कि घट गए। काल ब्याल मुख ग्रास, धीरे धीरे चले जा रहे हैं हम काल की तरफ, इसलिए इसका नाम संसार है। संसार का अर्थ जानते हैं, संसरति इति संसार, संसरति माने जो सरकता जाए, जो सरकता जाए उसका नाम संसार। हमारे देखते देखते संसार कहां से कहां सरक गया, जो वयोवृद्ध लोग हैं उन्होंने देखते देखते कितना परिवर्तन देखा। हमने अपने जीवन में ही, हर व्यक्ति देख लो, हम छोटे से बच्चे थे, देखते देखते बड़े हो गए, जवान हो गए, फिर बुढ़े हो गए, हैं? ये परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि हर क्षण हर वस्तु संसार की सरक रही है, बदल रही है। फिर पूछ रहे, अरे दादाजी नजर नहीं आ रहे जो पिछले वर्ष आए थे यहाँ। बोले साहब वो तो एक महीना पहले ही सरक गए, सरक गए। तो सरकते सरकते एक दिन काल के मुख में सब सरक जाते हैं, इसलिए इसका नाम संसार है। धीरे धीरे सरक रहा है, पता नहीं चल रहा, जैसे ट्रेन है धीरे धीरे चल रही है, स्टेशन आता है
तो अपने अपने नए नए यात्री चढ़ते जाते हैं, पुराने उतरते जाते हैं। ऐसे ही संसार की रेलगाड़ी चल रही है। दादाजी चले गए, नाना जी चले गए, ये पुराने यात्री थे, जब उनका स्टेशन आया तो निकल गए। अब हमारा विवाह हो गया, फिर बेटा हो गए, तो भतीजे हो गए, फिर भांजे हो गए, जो नए नए यात्री हैं वो आ रहे हैं, पुराने पुराने उतर रहे हैं। पर इतना याद रखिए, ट्रेन में यात्रियों से जान पहचान हो जाती है, बड़ी घनिष्ठता भी हो जाती है और घंटों तक गपशप लगती हैं, आदान प्रदान होता है, परंतु जब स्टेशन आया सो सबको छोड़ के वो उतर के चल लेता है। उसी प्रकार सबसे हिलमिल चाली है, संसार में सबसे मिलजुल के चलो, पर इतना याद रखो पांथ संगम है। एकादश स्कंद में भगवान ने उद्धव से कहा है, पुत्र दाराप्त बंधु नाम संगम पांथ संगम। ये रास्ता के यात्री हैं तुम्हारे, आप पैदा हुए थे, किसी को नहीं जानते थे कि हम किसके घर में जाएंगे, कौन कौन हमारे साथी होंगे, पैदा होने के बाद ही परिचय हुआ सबसे है। उसी प्रकार जब ट्रेन में आप चढ़ते हो, किसी आपको नहीं मालूम किस किस यात्रियों के साथ आप यात्रा करोगे, जब ट्रेन में चढ़ जाते हो, बर्थ पर अपना बिस्तर जमा लेते हो, तब पता चलता है, कहो साहब आप कहाँ चल रहे हो, आप कहाँ तक चलोगे, जान पहचान हो जाती है। कभी कभी ऐसे दुष्ट यात्रियों के बीच में फंस जाते हैं कि महाराज यात्रा करनी कठिन हो जाती है, कब स्टेशन हमारा आवे, कब यहाँ से पिंड छोड़ावे। और कभी कभी ऐसे बढ़िया सज्जन यात्री मिल जाते हैं कि यात्रा छोड़ने का ही मन नहीं होता। स्टेशन पर गाड़ी रुकी है और आप कह रहे हो बा भैया इतने घंटे आपके साथ बातें करते करते कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, और उधर गाड़ी सीटी मार रही है चलने को, और आप यात्रियों से गपशप कर रहे हो कि भैया अब फिर कभी भगवान ने चाहा तो मिलेंगे। उधर काला कोट वाला आया कि ट्रेन चलने वाली है, तुम अभी तक उतरे नहीं, फिर आपका एक एक उठा के सामान फेंकेगा और तुम्हें भी उतार के अलग करेगा, और नहीं तो जुर्माना लगा देगा। उसी प्रकार ये संसार की गाड़ी चल रही है, नए यात्री आ रहे हैं, पुराने उतरते जा रहे हैं, और काले कोट वाले वो यमराज के दूत आते हैं, जो उतरना नहीं चाहता उसे उठा के फेंकते हैं, जबरदस्ती खींच के उतार देते हैं। इसलिए भाई जितना जहाँ तक आपका टिकट है वहीं तक आपका सफर है, ये भूलना नहीं चाहिए। तो यात्रा में कुछ यात्री ऐसे हैं जिनके उतरने के बाद लोग बहुत समय तक उनकी चर्चा करते, भाई क्या गजब का आदमी था, हाँ क्या बढ़िया सबका मनोरंजन किया, इतनी लंबी यात्रा का पता ही नहीं चला, लोग उसकी तारीफ करते हैं उतरने के बाद भी। और कुछ ऐसे भी यात्री होते हैं जिनके उतरने के बाद यात्रा में शांति आती है, हे भगवान सबका माथा खा लिया, न सोया न सोने दिया, हमारा तो रिजर्वेशन ही बेकार गया। तो उतरने के बाद में लोग उसके बारे में इस प्रकार की भी टिप्पणी करते हैं। तो आप सज्जन हैं कि दुर्जन हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, आपके जाने के बाद जैसी चर्चा चलती है वही आपका निर्णायक है कि आप कितने सज्जन यात्री थे या कितने दुर्जन थे। तो इस संसार की यात्रा में अच्छे बुरे सब हैं, पर अच्छे हों तो और बुरे हों तो आप वहीं तक यात्रा करोगे जहां तक का आपका टिकट है। इसलिए बुरे हो तो उनसे समय काट लो, और अच्छे हो तो भी आसक्ति किसी में नहीं रखना, क्योंकि छोड़ना तो सबको ही पड़ता है। यह विवेक जो अपने पास रखते हैं वो यात्रा बड़ी मस्ती के साथ करते हैं, जिनको यह विवेक नहीं होता वो यात्रा में बहुत परेशान रहते हैं। बोलो राधे राधे। एक बात और कहें, यात्रा में जितना कम सामान होता है उतनी यात्रा बढ़िया होती है। बहुत सामान बटोर के जाओगे तो टेंशन में रहोगे, बर्थ पे सो तो रहे, अरे वो फलाना सामान है कि नहीं, अब देखो उठा के तो नहीं ले गया उसे, उसमें बहुत सामान रखा था। ज्यादा सामान रखने वाले को टेंशन होता है, चैन की नींद सफर में भी नहीं आती, परेशान बहुत होता है। उसी प्रकार महात्माओं के पास कोई सामान नहीं होता, बड़े मस्त होकर के यात्रा करते हैं, जंगल में भी कुटिया में तान दुपट्टा सोते हैं, घर्राटे बजाते हैं, कोई टेंशन नहीं, उनके पास कोई सामान ही नहीं। पर जिन जिन के पास जितना ज्यादा सामान होता है उनको उतना ही ज्यादा टेंशन भी होता है। वो सफर आनंद के साथ सुखपूर्वक, सुख की सामग्री बहुत होती है, सुख की सामग्री बहुत होगी पर बेचारे सुखी नहीं हो पाते।
बढ़िया सुंदर भव्य भवन में सुंदर पलंग पर लेटे जरूर हैं, फिर भी नींद की गोली खानी पड़ रही है, नींद नहीं आ रही है, क्योंकि सामान बहुत ज्यादा है इसलिए टेंशन भी ज्यादा है। तो महात्मा लोग इस रहस्य को जान जाते हैं इसलिए सब सामान छोड़ छाड़। हमारे मनु महाराज तो चक्रवर्ती सम्राट थे कि नहीं, आदि जहां से मनु शत्रुपा से ही मानव सृष्टि का विस्तार हुआ है। हम सब मनु के बेटा हैं इसलिए तो मानव कहलाते हैं। हमें मानव क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम मनु की संतान है, मनु शत्रुपा। परंतु होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग। मन में बड़ा दुख कि हमारा जीवन व्यर्थ चला गया, राजा बन करके भागा दौड़ी करते रहे, सीमाओं की सुरक्षा में लगे रहे और पूरा समय भागा दौड़ी में ही बिता दिया। होए ना विषय विराग, विषयों से वैराग अपने आप नहीं होता। भवन बसत वहा चौथपन, जीवन का चौथा चरण आ गया माने बुढ़ापा आ गया, पर विषयों से वैराग नहीं हुआ। कितने माल छाने पर खाने की इच्छा खत्म नहीं हुई। अब वो तो परिस्थिति ने, प्रकृति ने ही ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि तुम खा ही नहीं सकते तभी आप छोड़ पाओगे, नहीं तो ये जिह्वा देवी छोड़ना नहीं चाहती। तो विषयों से अपने आप वैराग नहीं होता, करना पड़ता है। तो मनु महाराज चक्रवर्ती सम्राट, सारे सुख सुविधा उनके महलों में थी, परंतु अंत में जब जीवन का सार समझ में आया कि सामान ज्यादा होगा तो फिर चैन से सफर नहीं हो पाएगा, सबको लात मार दी, सब छोड़ छाड़ के इसी नैमिषारण्य में आ गए। इसी गौमती के तट पर मनु शत्रुपा ने आकर के फिर सब ऋषियों मुनियों के बीच में खूब भजन किया, खूब तप किया और यहीं पर सीता राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया इसी पवित्र भूमि में। इसलिए राम जी का प्रथम स्वरूप यदि प्रकट हुआ है तो इसी नैमिषारण्य में ही प्रकट हुआ, जहां मनु शत्रुपा ने उनके दिव्य दर्शन किए। नील सरोरोह नील मणि नील नील धर श्याम का सवाल है, इस पे पापी पेट के लिए सब गोरख धंधे करने पड़ते हैं, माने पेट के नाम पर भगवान जाने जिंदगी भर कितने पाप करते हैं। और महात्मा लोग जहां मिल जाए उसी को खा करके पेट भर के अपना सारा जीवन भजन में और भगवत प्राप्ति में बिताते हैं। उनके पास कोई सामग्री नहीं होती इसलिए जीवन की यात्रा फर्स्ट क्लास होती है। हमारे पास प्रपंच सामग्री इतनी ज्यादा होती है कि सफर का आनंद ही हमारा खत्म हो जाता है, सारी जिंदगी टेंशन में ही, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ये ना चला जाए वो ना चला जाए, उसी में हमारा सफर बिगड़ जाता है। इसलिए सामग्री उतना रखो जितने में आनंद के साथ सफर हो जाए। आप चाहे जितना बढ़िया महल बनाओ, 150-200 वर्ष तक कुछ ना बिगड़े उसका। आपने तो अपनी मानसिकता से खूब 200 साल के लिए बनाया या 100 साल के लिए बनाया, परंतु 50 साल में ही आपका बेटा जब पढ़ लिख करके कुछ बन गया तो देखो दोनों स्थिति में वो टूटना है। यदि नालायक बेटा निकला तो इतने बड़े महल की मरम्मत ही ठीक से नहीं करा पाएगा तो वैसे खंडर हो जाएगा, और बहुत पढ़ा लिखा विद्वान निकला और कुछ बन गया तो कहेगा अब तो ये डिजाइन पुराना पड़ गया, तोड़ के हम नया महल बनवाएंगे बढ़िया। कितना भी बढ़िया बनवा लो, समय के अनुसार सबकी मानसिकता बदलती है। जो जितना बड़ा अधिकारी बनेगा वो उतनी ही मानसिकता के साथ दूसरे ढंग का बनाएगा। तो फिर आप अनावश्यक 100 साल की व्यवस्था बना करके चल रहे हो, वो तो दोनों स्थिति में टूटना है। इसलिए आप उतना ही विवेक पूर्वक कार्य करो जितना आवश्यक है संसार में रहने के लिए। अनावश्यक आप कितना भी टेंशन पाल करके जो आयोजना 100-100, 200-200 साल की बना रहे हो उसका कोई प्रयोजन नहीं। अपना मनुष्य जीवन इस प्रपंच के लिए नहीं, मानव जीवन भजन करके आवागमन से छूटने के लिए मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो भजन के लिए जो मानव तन मिला था वो हमने भोजन में ही व्यतीत कर दिया पूरा। आहार निद्रा भय मैथुन में तो पशु पक्षी भी बड़े प्रवीण होते हैं, फिर हमारी क्या विशेषता रही? इसलिए मनुष्य जीवन के महत्व को समझना चाहिए। तो सूत जी महाराज से जब प्रश्न किए सौनकादि ऋषियों ने तो सूत जी महाराज ने कहा इस संसार में हर प्राणी काल के गाल में जाने वाला है,
उस काल के भय को मिटाने के लिए ही श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। काल भय को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्राकट्य हुआ है। बोलो भागवत भगवान की। देखो मृत्यु में इतना कष्ट नहीं है जितना कि मृत्यु पर विचार करने से भय उत्पन्न होता है। एक ना एक दिन मरना है ये सब जानते हैं, परंतु यदि आपसे कोई ये कह दे डॉक्टर कि आपकी नब्ज देख के और आपके लक्षणों को देखकर मैं गारंटी से कह सकता हूं एक हफ्ता से ज्यादा आप जिंदा नहीं बचोगे, एक सप्ताह के आप मेहमान हो, तो फिर सोचिए आपका क्या हाल होगा। यदि पता न चलता तो 7 दिन कम से कम चैन के काट भी लेते, और पता चल गया कि हम 7वें दिन मरने वाले हैं तब वो 7 दिन काटने बड़े भारी पड़ जाएंगे महाराज। हो सकता है टेंशन में 5 दिन में जय सियाराम हो जाए, बहुत डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति, क्योंकि मौत का डर बहुत खतरनाक होता है। मौत उतनी खतरनाक नहीं है जितना उसका डर है। इसलिए काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, इस काल व्याल के भय को मिटाने के लिए मृत्यु का रहस्य समझ में आ जाए तो काल का भय भाग जाता है। बोलो राधे राधे। मृत्यु क्या चीज है, मृत्यु किसे कहते हैं? मृत्यु में और निद्रा में कोई अंतर नहीं। जब आप सो जाते हो सुसुप्ति अवस्था में पहुंच जाते हो गहरी नींद में, जब कुछ भी होश नहीं रहता तो आपको ना अपना पता रहता है ना दुनियादारी का, सब भूल जाते हो, और वही स्थिति मृत्यु में होती है। मरने के बाद भी वही हाल होता है, सब भूल गए, सब छूट गए। तो शरीर और संसार मृत्यु में भी छूटता है और शरीर संसार गाढ़ निद्रा में भी छूट जाता है, दोनों की स्थिति बराबर है। पर क्या नींद में किसी को डर लगता है, नींद से किसी को भय लगता है? किसी को नहीं लगता। नींद ना आवे तो नींद की गोली और खाते हैं कि नींद बढ़िया आनी चाहिए। नींद से तो बड़ा प्यार है, फिर मृत्यु से डर क्यों है? क्योंकि दोनों की स्थिति बराबर है पर दोनों में थोड़ा अंतर है, एक ही अंतर है। क्या? नींद में जब आप सोते हैं तो आपको यह विवेक है कि हम गहरी नींद में सोएंगे, और फिर जब जगेंगे तो शरीर भी मिल जाएगा, संसार भी मिल जाएगा, परिवार भी मिल जाएगा, व्यापार भी मिल जाएगा, जो भी छूटा है आंख खुलते ही सब वापस मिल जाता है। परंतु जिस मृत्यु को चिर निद्रा कहते हैं, उस चिर निद्रा में जब आंख बंद होती है, मौत की नींद जब व्यक्ति सोता है, तब उसे इतना ज्ञान है कि मौत की नींद सोने के बाद शरीर भी छूट जाएगा, संसार भी छूट जाएगा, परिवार भी छूट जाएगा, व्यापार भी छूट जाएगा, जिंदगी भर खून पसीना के साथ जो कमाया है आंख बंद करते एक झटके में सब चला जाएगा। तो ये मरने का डर नहीं है, मरने का कष्ट नहीं है, छूटने का कष्ट है। नींद में छूटा तो था पर नींद खुलने के बाद मिल भी गया, पर चिन्ह निद्रा में छूट जाएगा तो हमेशा के लिए छूट ही जाएगा, वापिस नहीं पाएगा। इसलिए निद्रा में कोई डर नहीं, मृत्यु से डर लगता है कि सब पाया हुआ छूट न जाए। तो मौत में छूटने का ही तो डर है। और जो महात्मा पहले ही संसार को छोड़े बैठे हैं, घर परिवार को छोड़ ही दिया, और फिर भगवत भजन करते करते योगाभ्यास करते करते तत्व का ज्ञान प्राप्त करके शरीर का मोह भी छूट गया, तो ऐसे जो पहले ही सब छोड़ दिए वो जीवित समाधि ले लेते हैं, उन्हें मरने का कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि सारा कष्ट तो छोड़ने से ही होता है ना। हम पहले ही छोड़ के बैठ गए तो अब काय का कष्ट। बोलो राधे राधे। आप किसी को 10 लाख रुपया दान कर दो तो आपका हृदय प्रसन्नता से भरा होगा कि हमने भी कुछ दिया, कुछ लगाया, और कोई डकैत या चोर आकर के जबरदस्ती मार पीट के आपसे कोई 10 लाख रुपया ले जाए तो 10 दिन चैन की नींद नहीं आएगी, हमारा चला गया साहब इतना बड़ा नुकसान हो गया। गया तो दोनों ही स्थिति में, दिया आपने तब भी गया और कोई ले गया तब भी गया, पर दोनों में अंतर क्या है? दिया है तो आपने अपने मन से दिया है इसलिए प्रसन्नता है, अपने मन से छोड़ा है, परंतु छुड़ाया जाए तब दर्द होता है।
इसलिए जो संसार को पहले ही छोड़ के बैठ जाते हैं उन्हें कोई मरने का कष्ट नहीं होता, मुस्कुराते हुए माधव से मिलने जाते हैं। परंतु यमदूत आके जबरदस्ती जब छोड़ाते हैं हमसे कि सब छोड़ो, इस शरीर को भी छोड़ो, चलो हमारे साथ, तब भयंकर कष्ट होता है। तो अंत काले महादुखम, अंत काल में उन्हीं को दुख होता है जो संसार को पकड़े बैठे हैं, छोड़ना नहीं चाह रहे, और जो छोड़ के बैठे हैं संसार में, बाहर से तो चिपके हुए नजर आते हैं पर भीतर से सब छोड़े हुए। नारियल दो प्रकार के होते हैं, एक तो पानी का नारियल होता है कच्चा, और एक पका हुआ नारियल होता है जो बचता है। दोनों में अंतर क्या होता है? जो पानी का नारियल है वो कच्चा है, नारियल भीतर है और गोला नारियल के साथ चिपका हुआ है, कच्चा नारियल है। अब उस नारियल को आप फोड़ोगे तो गोला भी साथ में ही फूटेगा नारियल के, और जो पका हुआ नारियल है जिसका गोला सूख करके भीतर ही भीतर अलग हो गया, वो रह तो रहा है नारियल के भीतर परंतु भीतर ही भीतर उसने चिपकना छोड़ दिया, अलग हो गया। उस नारियल को फोड़ोगे तो गोला निकल के अलग हो जाएगा, नारियल फूटे तो फूट जाए, गोले का कुछ नहीं बिगड़ा क्योंकि उसने भीतर रहते रहते अपने को अलग कर लिया, असंग हो गया। इसी का नाम है असंगता। तो संसार में हम आप सब रह रहे हैं, परंतु जो ज्ञानी पुरुष हैं वो संसार में रहते तो हैं इस संसार के भीतर, पर भीतर ही भीतर सबसे अलग हो जाते हैं। केवल व्यवहार की दृष्टि से मैं मेरा का व्यवहार करते हैं, भीतर से तो केवल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री 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 बांके बिहारी जाते हुए सभी गाइए। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, श्री राधे संसार का व्यवहार करो पर भीतर से मान के चलो कि केवल हमारे ठाकुर जी ही हैं और संसार में सब छूटने वाले हैं। संसार में जिनसे आप जुड़े हैं वो एक दिन टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, टूटने फूटने से बच गए तो एक दिन छूट जाएंगे। इसलिए असंग होकर के पके नारियल की तरह व्यवहार करो। महात्माओं को किसी के जाने का ना क्षोभ होता है ना आने की प्रसन्नता, आ गया तो वेलकम, चला गया तो भीड़ कम, उन पर कोई किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु हम लोग प्रभावित होते हैं, इसलिए हम कच्चे नारियल हैं। तो जो संसार में पके नारियल की तरह असंग भाव से व्यवहार करते हैं उनको मरने में कोई कष्ट नहीं,
तो मरने का कष्ट नहीं है, छूटने का कष्ट होता है। इसलिए पहले से मन ही मन, भीतर ही भीतर सबको छोड़ना प्रारंभ कर दो। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि सबके सब बाबा जी बन जाओ, रहो घर में गोपियों की तरह रहो। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया होता है, मन से त्यागो। तन से कपड़े रंगने से तो आप यदि मन से यदि नहीं रंगे हो, तन के ही कपड़े रंग लिए तो बाहर जाकर के भी प्रपंच फैला लोगे, रूपांतरण हो जाएगा, बस नाम बदल जाएगा। पहले अपना घर था, अब आश्रम हो गया। पहले बेटा बेटी थे, अब चेला चेली हो गए। रूपांतरण तो होगा पर प्रपंच जहां की तहां रहा। इसलिए पहले मन से त्याग करो। जो मन से त्याग दिया वो असली त्याग है। एक बार एक सेठ जी ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन रुकी तो एक स्टेशन पर महात्मा चढ़े, उनकी सामने वाली बर्थ थी, पर महात्मा का सामान सेठ जी से भी ज्यादा था। तो महाराज जी ने जब सामान लगाना चालू किया तो सेठ जी मुस्कुराए, बोले महाराज आपसे तो हम घर गृहस्थी वाले ही ठीक है। हम तो भाई घर गृहस्थी वाले, हमारे पास सामान है तो कोई बात नहीं, पर आप महात्मा हो के भी इतना सामान लेके चलते हो, क्या फायदा हुआ महात्मा बनने का? महात्मा बेचारे मौन रहे, कुछ बोले नहीं। अगले स्टेशन पर गाड़ी बातों बातों में पहुंची, वहां पर 20 मिनट रुकनी थी। तो महात्मा जी बोले, सेठ जी यहाँ 20 मिनट तक विश्राम है, चलो थोड़ा बाहर की हवा खा लेते हैं। चलिए महाराज जी, दोनों उतर गए, पानी पिया, थोड़ा टहले, एक बढ़िया ब्रंच मिल गई तो उस पर बैठ गए। और महात्मा जी ने एक प्रसंग सुनाना प्रारंभ किया, शास्त्र की चर्चा बड़ी रोचक थी, सेठ जी बड़े ध्यान से सुनने लगे। इतने में कब 20 मिनट हो गए पता ही नहीं चला, ट्रेन ने सीटी मारी और किसंगना चालू। सेठ जी का ध्यान ट्रेन पे गया, अरे महाराज जी ट्रेन चल पड़ी, सब सामान चला जाएगा। महात्मा जी ने हाथ पकड़ के कहा, सेठ जी रुको, सामान तुमसे भी ज्यादा मेरा रखा है उसमें, सत्संग अधूरा मत छोड़ो, बात पूरी सुनो पहले, आनंद आ रहा है यहां पर। अरे महाराज मेरा बहुत कीमती सामान है, सब चला जाएगा। महात्मा बोले, तुमसे ज्यादा कीमती हमारा सामान है, ठाकुर जी बैठे हैं हमारे, ठाकुर जी कई सब सोने चांदी के बर्तन है। और महात्मा छोड़े नहीं हाथ, और गाड़ी स्पीड पकड़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, और सेठ जी की धड़कन तेज हुई, अंत में झटका मार करके अपना हाथ छीन करके दौड़े और तब जा करके चढ़ पाए ट्रेन में। बाद में दौड़ के महात्मा भी चढ़ गए। सेठ जी ने कहा, धन्य है महाराज, आपने तो हमारी ट्रेन छोड़वा दी होती, सब सामान चला जाता हमारा। महात्मा मुस्करा के बोले, देखो सेठ जी सामान तो मेरा तुमसे भी ज्यादा है, बस अंतर इतना है तुम सामान में चिपके हुए हो, हमारे पास सामान बहुत है पर हम चिपके किसी में नहीं है, है तो सही, चला जाए तो सही, यही अंतर है। महात्मा के पास धन संपदा भी होती है तो वो असंग भाव से उसका उपयोग करते हैं, उसमें चिपकते नहीं कि ये मेरी है। अरे उनका ना कोई बेटा है, ना बेटी है, ना परिवार है, जो भी उत्तराधिकारी बनेगा वो देखेगा संभालेगा। हम लोग जो काम करते हैं उसमें चिपक जाते हैं, मैंने ये बनाया, मैंने ये खरीदा, मैंने ये कर, तो मेरा मेरा, मैं और मोर तोरते माया, माया के जो दो फंदे हैं मैं और मेरा, इसमें हम लोग फंस जाते हैं। इसलिए हम कच्चे नारियल बन करके जब कोई हमारा नारियल फूटता है तो उसके साथ हम भी फूट जाते हैं। साहब उनसे इतनी बढ़िया दोस्ती थी, इतनी घनिष्ठता थी कि जब से वो पधारे हैं तब से बेचारे बिल्कुल टूट गए। उनके बिना अब उनका भी जीवन ज्यादा चला नहीं, कुछ ही दिनों में वो चले ही गए। इसका मतलब हम इतने चिपके हुए हैं कि एक के टूटने पर हम भी टूट ही जाते हैं, और महात्माओं पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। रोज आकर के कोई सी समाधि लगा रहे हैं, किसी को गंगा जी में समाधि दे रहे हैं, किसी को यमुना जी में बहा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उन पर, यही रहनी में अंतर है। बोलो राधे राधे। तो काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। तो काल के भय को मिटाने के लिए ही श्रीमद्भागवत का प्रादुर्भाव हुआ है, कि हमारे भीतर से मृत्यु का भय कैसे भागे। इसीलिए अब परीक्षित के सामने भी यही समस्या आई कि मैं सातवें दिन मर जाऊंगा, तब सुखदेव जी ने यही श्रीमद् भागवत सुना करके परीक्षित के भीतर से वह मौत का भय मिटा दिया।
और जब सुखदेव जी सुनाने के लिए बैठे तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। स्वर्ग के देवता अमृत लेके आ गए और सुखदेव जी को प्रणाम करके कहते हैं, महाराज हमने सुना है कि परीक्षित सातवें दिन मरने वाले हैं, इसलिए आप कथामृत पान करा रहे हैं, इसलिए हम आपके लिए अमृत लेके आए हैं, ये अमृत परीक्षित को पिला दो पर बदले में हरि कथामृत आप हम देवताओं को पिला दो। सोई सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसने लगे और बोले, देवताओं तुम बड़े ठगिया हो भाई, कांच का टुकड़ा हमको दे रहे हो, करोड़ों की मणि हमसे मांग रहे हो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर महान ब्रह्मरातो विचारी एवं तदा देवान जहास। सुखदेव जी का नाम ब्रह्मरात और परीक्षित का नाम है विष्णुरात, दोनों को मां के पेट में ही भगवान के दर्शन हुए हैं, इसलिए दोनों ही भगवत कृपा पात्र हैं। सुखदेव जी ने कहा, उठाओ अपना अमृत और भाग जाओ यहां से। श्रद्धा से कथा सुनने आते तो प्रेम से सुनाता, तुम तो सौदागर बन के आए हो, इसलिए कथा का तुम्हें अधिकार ही नहीं है। अभक्तांस्तांस्य विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये वो देव दुर्लभ दिव्य कथा है जिसकी याचना करते देवता वापस लौट गए, उन्हें ये कथामृत नहीं मिला। सौनक जी ने कहा, जब इतनी जोरदार ये कथा है तो सात दिन में ही फटाफट क्यों सुनाई जाती है, कम से कम अधिक मास है तो पुरुषोत्तम मास में पूरे एक महीना सुना महाराज विस्तार से। सात दिन की ये परंपरा कब से प्रारंभ हो गई? सूत जी कहते हैं, ऋषियों ये परंपरा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने देवर्षि नारद को सुना करके प्रारंभ करी। सोनक जी बोले, महाराज हमने तो ऐसा सुना है कि नारद जी दो घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते ही नहीं, तो नारद जैसे घुमक्कड़ महात्मा को सात दिन बैठ के कथा सुनने का अवसर कहां मिल गया, थोड़ा विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले, अच्छा तो ध्यान से सुन। एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता तत्र सु तत्र नारदम। एक बार बद्री विशाल में सनकादिक परिभ्रमण कर रहे थे। बद्रीनाथ का नाम है विशालापुरी, यहाँ विशाल नाम के राजा ने बहुत विशाल तप किया, इसलिए भगवान ने इस नगरी को विशालापुरी नाम दिया। वहां पर सनकादिक चारों भाई घूम रहे थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार काय के लिए घूम रहे थे, सत्संगार्थम, कोई संत मिले तो थोड़ा सा सत्संग करे, क्योंकि चारों भैया भगवान की कथा का ही आहार करते, कथा मात्रई का जीवन, कथा ही जिनका जीवन है। जैसे किसी का जीवन चाय का प्याला बन जाता है, सवेरे सवेरे जब तक एक कप चाय न मिले तब तक मूड ही नहीं बनता, किसी का भी मूड नहीं बनता, किसी काम का मूड नहीं बनता, इसका मतलब चाय ही उनका जीवन का अंग बन गई है, उसके बिना काम नहीं चलता। बोलो राधे राधे। तो सनकादिकों का जीवन क्या है? कथा मात्रई का जीवन, भगवान की कथा किए बिना सुने बिना कहे बिना चैन नहीं पाता, सदा ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हैं। और पंचहायन संयुक्ता, हमेशा पांच साल के ही रहते हैं, छह साल के कभी नहीं हुए। पांच वर्ष के बालक को कुमार कहते हैं, इसलिए सनकादिक हमेशा कुमार के नाम से जाने जाते हैं, सनत कुमार, सनातन कुमार, सनंदन कुमार, ये सब कुमार कहे जाते हैं पांच वर्ष के, पंचहायन संयुक्ता। और आश्चर्य की बात है, पांच वर्ष के बालक होते हुए भी पूर्वेषामपि पूर्वजः, पूर्वजों के भी पूर्वज बन गए। कारण क्या? जब ये चारों भाई प्रकट हो गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा बड़े होके तुम भी मेरी सृष्टि का विस्तार करो। चारों ने हाथ हिला दिए, हम सृष्टि के प्रपंच में नहीं पड़ेंगे, बेटा बड़े होके तो तुम्हें विवाह करके संसार बसाना ही पड़ेगा,
तो चारों ने कहा ठीक है पिताजी, जब बड़े हो जाएंगे तब देखेंगे। इन्होंने 5 वर्ष से ज़्यादा बड़े होने का, बड़े न होने का संकल्प ले लिया, हम बड़े होंगे ही नहीं, हमेशा 5 वर्ष के बालक बने रहे, इसलिए इनको कुमार कहा गया। तो चारों का जीवन क्या है, भगवान की कथा। ब्रह्मानंद सदा लयलीना, ब्रह्मानंद सदा लयलीना, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, रूप धरे जनु चारे उबेना, रूप धरे जनु चारे उबेना, समदर्शी मुनि विगत विभेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा, आशा बसन व्यसन यहति नही, आशा बसन रघुपति चरित होय तह सुनहि, रघुपति चरित होय तह सुनहि, रघुपति चरित होय तह सुनहि, रघुपति चरित होय रघुपति चरित होए चरित होए चरित होए तह सुनही। जहां जहां प्रभु के चरित्र गाए जाते हैं वहीं चारों भैया कथा सुनने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि कथा ही इनके जीवन का आधार है। तो चारों भैया बद्रीनाथ में घूम रहे थे कि नारद जी पर दृष्टि गई। ददृशुस्तत्र नारदम, नारद जी को जब दूर से देखा तो चारों भैयाओं ने आवाज लगाई, अरे भैया कहां भागे भागे जा रहे हो, त्वरितम गम्यते कुत्र, भाग दौड़ करके आप जा कहां रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, इस समय आपका मुंह बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे 2000 के नोटों की गड्डियां एक झटके में कागज के टुकड़े बन गए हों। तो बाबा तुम्हारे कौन से नोट खराब हो गए जो ऐसे मुंह लटकाए लुटे व्यापारी की तरह घूम रहे हो। गत वित्तो यथा जनः, तुम्हारा कौन सा वित्त चला गया, कौन सा धन तुम्हारा बर्बाद हो गया जो ऐसे लुटे व्यापारी की तरह मुंह लटकाए जा रहे हो। नोचितम बद कारणम, आप जैसे विरक्त संतों को ऐसे मुंह लटका के चिंता में डूबे रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए अपनी चिंता का कारण बताओ। क्योंकि संत कभी चिंता नहीं करते, चिंता कापि न कार्या निवेदतात्म भी कदापि इति। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं वैष्णव को कभी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसके रक्षक भगवान हो उसे काय की चिंता। तो बाबा तुम तो परम भक्त हो, फिर तुम किस बात की चिंता में डूबे हो। नारद जी बोले बड़े भैया आप डूबाए, मैं अपनी चिंता का कारण आपको बताता हूं, क्योंकि हम महात्माओं के पास रुपया पैसा तो होता ही नहीं, हमें काय की चिंता। हम महात्माओं की तो एक ही संपत्ति है, क्या, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, भाव से गाइए वारी राधा 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 राधा, बरसाने वारी राधा 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 राधा, प्रशभान दुलारी राधा 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 राधा, प्रशभान दुलारी राधा 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 राधा, राधे राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
है धन राधा 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 सिख धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 प्राण धन राधा मोहन की प्यारी राधा 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 मोहन की प्यारी राधा 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 राधे मनोधन राधा श्री राधा श्री राधा जी कहते हैं हम लोगों का तो एकमात्र हरि नाम ही धन है, सो उस धन की हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि घर चैन कोई चोर न ले वे, दिन दिन बड़ा तो सब आयो, उसमें घाटा तो होता ही नहीं। चिंता का कारण यह है महाराज कि मेरे मन में सत्संग की इच्छा उठी, तो मैं भारत भूमि में आया और भारत में सर्वत्र भ्रमण किया, कहीं भी चित्त को चैन नहीं मिला, कहीं सत्संग नहीं मिला। अरे बाबा जी, तो ऐसे घूमने फिरने से थोड़ी सत्संग मिल जाएगा, तीर्थों में जाते, संतों के पास पहुंचते तब मिलेगा, कलकत्ता बंबई में घूमने से थोड़ी मिलेगा। अरे महाराज, तो मैं कलकत्ता बंबई नहीं घूमा, तो कहाँ कहाँ घूमे थे? बोले हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, तीर्थों में घूमा, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, यानी पवित्र तीर्थों में घूमा पर चित्त को कहीं चैन नहीं मिला। मैं संतों के पास भी गया पर पाखंड निरता संत, संतों में पाखंड का प्रवेश हो गया। पाखंड का मतलब पापस्य खंड, पाखंड जो पाप का ही एक खंड है, अथवा पालन करने योग्य धर्म का जो खंडन करने लगे उसका भी नाम पाखंड है। जिस धर्म का पालन करना चाहिए शास्त्र की आज्ञा अनुसार, आहार विहार हमारे यहां शास्त्र का सब विधान है, कैसा भोजन करे, कहां भोजन करे, ये सब विधान है युक्त आहार विहार का। परंतु आजकल जो इस पर ज्यादा विचार करे लोग, उसको पाखंडी कहते हैं। हमारे गुरुजी महाराज कुछ भी खा लेते हैं, कैसे भी खिला दो, और तुम्हारे यहां तो महाराज जी वो तो अपनी रसोई में भी नहीं घुसने देते हमको, और छुआछात मानते हैं। तो जो आचार विचारवान पुरुष होते हैं उनको लोग पाखंडी कहते हैं, और जो वास्तव में पाखंड को पालने लग जाए उसको लोग कहते हैं अरे महाराज बड़े सत्य हैं, दस दस दिन तक तो नहाते ही नहीं है महाराज जी, बहुत उच्च कोटि अवधूत है। तो जो आचार विचार का पालन करने वाला है उसको लोग पाखंडी कहते हैं, जो पाखंड का प्रपंच रचे उसको लोग सिद्ध समझने लगते हैं। जटाविस्ताप सब पाखंड निरता संत, आप बिल्कुल शास्त्र सम्मत आचरण करते रहो तो लोग आपको से दूर हटेंगे, पाखंडी समझेंगे, और जितना आप पाखंड का प्रदर्शन करो लोग उसे उतने सिद्ध मानने लगते हैं। तबसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलिकौतुक तात न जात कही, नारद जी कहते मैं कहां तक आपको बताऊं, संतों में पाखंड, गृहस्थों में भी प्रपंच। देवी जी ससुर की सेवा तभी तक संभालती है जब तक तिजोरी की चाबी हाथ नहीं लगी, माल पानी सब हाथ में आ गए, सोई पतदेव के कान में मंत्र भूंगना प्रारंभ कर दिए। सुनो जी,
मैं आपके लिए अपने माता पिता सखी सहेली भाई बंधु सब छोड़ के आ गई। अब जैसे मैंने छोड़ दिए वैसे तुम भी छोड़ो, सबकी छुट्टी करो, बस हम दो और हमारे दो। तो गृहस्थों में भी प्रपंच है, घर में किसी विशेष कार्य के लिए परामर्श की जरूरत पड़े तो ससुराल से साले साहब बुलाए जाते हैं, मैया बाप से कोई सलाह नहीं लेता। तरुणी प्रभुतागे हे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात दंपतीनां च कल्कनम। दाम्पत्य जीवन में दिन रात संग्राम मचा हुआ है, ये मैंने गृहस्थों के यहां भी देखा। तो मैंने सोचा आए थे शांति के लिए, पर हमारे चित्त में तो क्रांति मच गई ये दुनियादारी देखकर, अब कहां जाएं। हमने सोचा छोड़ो दुनिया का झंड, चलो वृंदावन में चल के राधे राधे करेंगे, इसलिए मैं वृंदावन धाम में गया। पतत्राश्चर्य मया दृष्टम श्रूयताम तनु मुनीश्वरा। वृंदावन में जो मैंने विचित्र आश्चर्य देखा वो भी सुन लीजिए महाराज। क्या देखा बाबा? एका तु तरुणी तत्र निशन्ना खिन्न मानसा। एक युवती यमुना के तट पर सिर पकड़ के रो रही थी, दो बुड्ढे उसके दाएं बाएं लेटे थे। मुझे बड़ी दया आई तो मैं उसके पास गया, मैंने पूछा काशित तुम देवी जी आप कौन हो, ऐसे क्यों रो रही हो? तब उसने मुझे प्रणाम करते हुए पहले परिचय दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगे जर्जरौ। महाराज मेरा नाम है भक्ति देवी और ये दोनों बुड्ढे जो मेरे सामने पड़े हैं दोनों मेरे ही बच्चे हैं, इनका नाम है ज्ञान और इनका नाम वैराग्य। नारद जी आंखें फाड़ के देखने लगे, हे भगवान 20 वर्ष की माताजी और 90 साल के बेटा हमने जिंदगी में पहली बार देखे। देवी जी तुम्हारे बच्चे इतने बुड्ढे कैसे हो गए? बोले काल योगे न जर जर। यही तो समय का खेल है, कैसा विपरीत समय कि माँ युवती और बेटा बुड्ढे। मैं आपको पूरा परिचय दूं महाराज। उत्पन्ना द्रविणी, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में पली, पर कई पाखंडियों के प्रदेशों में पहुंच करके बहुत पीड़ित रही और इधर उधर देश प्रदेशों में घूमती घूमती मैं जैसी वृंदावन में आई तो जाता हम तरुणी इस भूमि में कदम रखते ही मैं एकदम नई नवेली युवती बन गई। और विडंबना ये हुई कि मेरे दोनों बच्चे हैं आते ही बुढ़े हो गए। अब मेरे बच्चे यदि स्वस्थ नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस भूमि को छोड़ के मैं तो विदेश भाग जाऊंगी। नारद जी तो सुनते ही घबरा गए, माता जी ऐसा गजब मत कर देना, भारत भूमि की पहचान भक्ति से ही है। भक्ति भाव में जहाँ के प्राणी सदैव रत रहते हों उसका नाम है भारत। भक्ति में रत भाग ज्ञाने, भाव माने प्रकाश, जिन जीवों में ज्ञान का प्रकाश हो उसका नाम है भारत। तो भक्ति से और ज्ञान से भरा हुआ ही तो ये भारत वर्ष है। और आप विदेश चली जाओगी तो फिर भारत में क्या बचेगा? बोलो राधे राधे। और आजकल हम लोग प्रमाण पत्र लेने विदेश ही जाते हैं। जब तक कोई वक्ता विदेश नहीं गया तो सबसे पहले लोग यही प्रश्न कहते हैं, महाराज कौन कौन से देश में कथा हो गई? और कह दिए नहीं हम विदेश नहीं जाते, हम तो यही कहते हैं। अच्छा तो लोकल में ही कथा चलती है, बाहर जाना नहीं हुआ कभी। उनकी भाषा व्यवहार बदल ही जाता है। और 8-10 देशों का यदि नाम, अरे महाराज अंतर्राष्ट्रीय व्यास है, कई देशों में कथा कही, तो मोहर लगवाने के लिए उधर जाना जरूरी हो गया आजकल। केवल वक्ताओं को नहीं संतों को भी, जब तक विदेशों में आश्रम ना हो तब तक संत की पहचान नहीं बनती। तो भक्ति माँ ने जब कहा कि मैं विदेश भाग जाऊंगी तो नारद जी ने कहा माता जी ऐसा मत करना। और आध्यात्मिक दृष्टि से यदि विचार करें तो भक्ति माँ ने क्या कहा, उत्पन्ना द्रविणे सा हम वृद्धिम कर्नाटके गता। मेरा जन्म, मैं उत्पन्न हुई हूं कहां, द्रविण देश में। द्रविण देश माने दक्षिण भारत। और भौगोलिक दृष्टि से भी देखें तो बड़े बड़े आचार्य दक्षिण भारत में हुए। भगवान आदि शंकराचार्य जी की भूमि दक्षिण भारत है, भगवान रामानुजाचार्य महाप्रभु की भूमि।
तो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं दक्षिण में, और आज भी दक्षिण भारत में जो भव्य मंदिर ठाकुर जी के दिखाई पड़ते हैं उतने भव्यता उत्तर में नहीं मिलेगी आपको। एक से एक मंदिर आप देखिए दक्षिण भारत में। तो भक्ति का भाव भरा हुआ है, इसलिए भक्ति की जन्मभूमि दक्षिण भारत है। कर्नाटक में बड़ी हुई तो कर्नाटक में भी बढ़िया बढ़िया भक्ति का संवर्धन हुआ है, और ज्ञान से भक्ति बढ़ती है, पुष्ट होती है। एक बार हम कर्नाटक में कथा कह रहे थे, भक्ति की यहां बढ़ गई, भक्ति पुष्ट होती है कर्नाटक में। तो एक सज्जन हमसे बोले, महाराज कर्नाटक का एक अर्थ हम भी बताएं। बोले हाँ बताओ। बोले महाराज ये सारा संसार रंग मंच है, हमने संतों से सुना ये, और ये जैसे नाटक करने का जो मंच होता है ना, लोग आते हैं अपने अपने वेश बना करके, और फिर जो जितना जीवंत नाटक करता है उतना ही बढ़िया कुशल कलाकार कहलाता है, चाहे वो गरीब का हो चाहे अमीर का हो। इसलिए सबको संसार के रंगमंच पर नाटक ही करना है, इसलिए कर्नाटक। कर्नाटक का मतलब क्या है, हम भी सब अपना अपना जिसको जो रोल मिला है उसमें नाटक ही कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। हमने कहा भाई तुम्हारा भी भाव अच्छा ही है। तो ये वृद्धिम कर्नाटक पाखंड से भक्ति खंडित होती है, दुखी होती है। जहां पाखंड बढ़ा कि भक्ति बदनाम हुई, कोई साधु भेष बना करके या कोई भक्ति का वानक बना करके किसी को आघात पहुंचावे, किसी को ठग ले, तो कहते हैं वो भगत जी ने ठग लिया हमको। बदनाम कौन हुई, भक्ति बदनाम हुई। इसलिए पाखंड से भक्ति बहुत पीड़ित होती है। पर वृंदावन में आके क्या हुआ, भक्ति जवान हो गई, ज्ञान बैराग्य बुढ़े हो गए। और आज भी वृंदावन में आप जाके देखिए, भक्तों से भरी पड़ी है ब्रजभूमि। 90 साल के डोकरा भी मंदिर में ठुमका लगाते राधे राधे गाते नजर आ जाएंगे ब्रजवासी, और ज्ञान वैराग्य का कोई पुछैया नहीं है वहां पर, कोई पसंद ही नहीं करता। बोले यार राधे राधे जबो काय को घोपड़ी खा रहे हो, महाराज किम प्रथा मति मस्तिष्क शोषण, किम प्रथा। हमारे श्री केशवमणि जी महाराज ने एक श्लोक बनाया था, इस समय थोड़ा विस्मरण हो रहा है हमको। नकल प्लवे विद्यमाने परीक्षाब्धि प्रतीरताम, किम प्रथा ग्रंथ घोषाध्यय, हाँ किम प्रथा ग्रंथ घोषाध्यय मति मस्तिष्क शोषण। हमने एक बार स्वामी जी से कहा, मैंने महाराज आजकल नकल बहुत चल रही है, पढ़ने की जरूरत नहीं, नकल करके पास हो जाओ। तब स्वामी जी ने एक श्लोक बनाया, पर किम प्रथा ग्रंथ घोषाध्ययी मति मस्तिष्क शोषण, कायकू ग्रंथों के रटने में अपना माथा गर्म कर रहे हो, तो महाराज फिर पास कैसे होंगे। बोले नकल प्लवे विद्यमान, नकल रूपी नौका तैयार कर दी गई है, पर परीक्षाब्धिर प्रतीरताम, परीक्षा के महासमुद्र को नकल की नौका में बैठ के पार कर जाओ, कायकू माथा बच्ची करो। बोलो राधे राधे। तो भैया ज्ञान वैराग्य के चक्कर में ब्रजवासी कम पढ़ते हैं, वहां तो बस राधे राधे रटते मस्त रहते हैं। परंतु याद रखिए, ज्ञान और वैराग्य उपेक्षित हो गए तो भक्ति भी प्रसन्न नहीं होगी, सिर पकड़ के रोवेगी। वृंदावन में भागवत भी हो रही है, भक्ति का भी प्रभाव है, परंतु ज्ञान वैराग्य की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि लोग भागवत, हम भी स्वयं जब भागवत कहते हैं तो कई सज्जन आके कहते हैं महाराज हमने आपकी भागवत गीता सुनी, बहुत बढ़िया बोलते हो, तो हम ये नहीं समझ पाते हम गीता बोल के आए हैं कि भागवत बोल के आए हैं। तो हमारी ज्ञान की स्थिति ये है कि हमको न भागवत का पता न गीता का पता। अरे गीता महाभारत का अंश है, 700 श्लोक 18 अध्यायों में गोविंद ने अर्जुन को सुनाए हैं, और ये श्रीमद् भागवत महापुराण है जिसमें 18,000 श्लोक हैं जो सुखदेव जी ने परीक्षित के माध्यम से सबको वितरण किया है। यह रस दोनों में कितना अंतर है, पर हम लोगों के ज्ञान की हालत यह है कि कथा सुनने के बाद भी पता नहीं कि हम भागवत सुन के आए हैं कि गीता सुन के आए। वो भगवत गीता है, ये भागवत महापुराण है। तो ज्ञान गायब हो गया है लगभग। जब हम शास्त्रों का नाम तक ठीक से नहीं जानते तो शास्त्रों में क्या लिखा है ये कौन जानता होगा। ये तो ज्ञान की हालत है, वही हालत वैराग्य की है।
वैराग्य का वानक बनाने वाले के हृदय में भी कितना वैराग्य है ये दिखाई नहीं पड़ता। तो ज्ञान वैराग्य की जब उपेक्षा होगी तो भक्ति को सिर पकड़ के रोना ही पड़ेगा, क्योंकि पुत्र के बिना या पुत्र यदि दुखी हो तो माँ प्रसन्न हो ही नहीं सकती। पुत्र की प्रसन्नता में माँ को प्रमोद होता है, इसलिए भक्ति माँ सिर पकड़ के रो रही है। ये स्थिति नारद जी ने समझ ली। क्षण मात्रेण तज ज्ञात्वा वाक्य मूचे मुनि स्वरा, एक क्षण में सारा रहस्य जान करके तब नारद जी बोले, माता जी दुखी मत हो, सतयुग द्वापर त्रेता में आप बड़े आनंद से रहीं, पर अब घोर कलयुग आ गया है। अभी तो कलयुग का शुभारंभ हुआ है। वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते, ज्यो ज्यो कलयुग बढ़ता जाएगा त्यों त्यों ये मंगल महोत्सव गायब हो जाएंगे। अभी कम से कम भागवत सुनने को मिल रही है, रामचरितमानस सुनने को मिल रहा है, समय ऐसा आएगा कि मानस की पंक्तियां फाड़ दी जाएंगी, ग्रंथों की होली जलने लगेगी। ये मंगल महोत्सव के दृश्य देखने दुर्लभ हो जाएंगे। माने कहा, देवर्षि यदि ये कलयुग इतना दुष्ट है तो परीक्षित ने इसको मारा क्यों नहीं, जीवित क्यों छोड़ दिया। तब नारद जी ने कहा, माता जी ये है तो बड़ा दुष्ट, पर एक विशेषता है इसमें। क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत् फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में जो कठोर तपस्या करके यज्ञ करके फल मिलता था वो केवल कलयुग में हरिनाम संकीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, गावहिं नर पावहिं संकीर्तन से कलयुग में वही फल मिलता है जो तपस्या करके यज्ञ करके ध्यान करके अन्य युगों में प्राप्त होता है। और साथ ही साथ कलयुग को भगवान ने आरक्षण भी दे दिया है। क्या आरक्षण मिला है? मानस पुण्य होए नहीं पापा, मन से पुण्य करो तो फल मिलेगा, और मन से कोई मानसिक पाप बन जाए तो उसका कोई दंड नहीं मिलेगा। ये छूट केवल कलयुग में है, अन्य युगों में तो मानसिक पाप का भी दंड दिया जाता था। परंतु पाप पयोने ते जन मन मीना, जब मन रूपी मछली कलयुग के प्राणियों के पाप के पयोनिधि में ही डूबी रहती है, बाहर निकलते जैसे समुद्र से मछली मर जाए, पानी के बिना मछली नहीं रहती, ऐसे ही हमारा मन पाप पयोनिधि में समुद्र में डूबा ही रहता है, तो कब तक पापों का दंड देंगे। इसलिए भगवान ने कहा, चलो कोई बात नहीं, पाप करने पर ही तुम्हें दंड मिलेगा, मानसिक कोई पाप बन जाए तो कोई दंड नहीं। ये आरक्षण केवल कलयुग में, और मन से पुण्य करो तो पूरा फल है, कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे हमारे भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि भोले बाबा मैं आपके लिए प्रेम मंदिर बनवा सकूं, मेरे बस की बात नहीं, तो मैंने तो इस देह को आपका ही देवालय मान लिया है, इस देह के देवालय में आत्मा के रूप में भोले बाबा मैंने आपको बैठा लिया है, और मति के रूप में आपकी श्रीमती भवानी पार्वती जी को विराजमान कर लिया है, और आपके नंदी भृंगी सृंगी जो गण हैं ये पंच प्राण के रूप में ये पंचायत आपके साथ ही बैठी है भवन के भीतर। अब मैं पूजा कैसे करता हूँ? दिन भर में जो खाता पीता हूँ ये सब आपके पूजन की सामग्री हैं, जो इस देवालय में चढ़ाता रहता हूँ, जो घूमता फिरता हूँ ये आपकी परिक्रमा लगाता हूँ, जो बोलता चालता हूँ यही आपके स्तोत्र पाठ करता रहता हूँ,
तांदुपट्टा सो जाता हूँ, यही आपकी समाधि लगा लेता हूँ, इसलिए शरीर से जितने कर्म करता हूँ हे भोलेनाथ ये सब आपकी ही आराधना है। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलं संभूतवाराधनम। अब बोलो हद लगे ना फिटकरी रंग चौखाई आवे ना कुछ खर्चा ना कहीं आना ना जाना घर बैठे ही पूरा आनंद मिल रहा है। ये आरक्षण केवल कलयुग में है। इसी गुण पर रीझ करके परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया अपने राज्य में। पर जैसे ऊसर भूमि में बीज बर्बाद हो जाते हैं ऐसी कलयुग की कालिमा में जो दिव्य गुण था नाम संकीर्तन का वो लुप्त प्राय हो गया। जो लोग नाम संकीर्तन करते हैं तो आज आधुनिक जो तथा कथित बुद्धिजीवी कहते हैं बोले राम राम जपने से क्या होगा, जब फालतू की बातें, कर्म करो, राम नाम में कुछ नहीं धरा। तो जैसे ऊसर भूमि में बीज नहीं काम करता बर्बाद हो जाता है, ऐसी लोगों की बुद्धि कलयुग ने इतनी कलुषित कर दी है कि इन कल्याणकारी वचनों में श्रद्धा ही नहीं होती। स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नहीं बजायते। जो स्वल्प पुण्य आत्मा होते हैं उनका न तो गुरु में विश्वास होता है, ना नाम में निष्ठा होती है, ना मूर्ति में श्रद्धा होती है, ना तीर्थों में श्रद्धा होती है। जो अत्यंत विशुद्ध चित्त वाले पुण्यात्मा हैं उन्हीं के भीतर यह श्रद्धा भक्ति का वृक्ष पल्लवित होता है। नहीं तो ऊसर भूमि में जैसे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, कुछ भी नहीं जमता, ऐसी नास्तिकों की कलुषित बुद्धि में कुछ बात बैठती ही नहीं। इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, 24 घंटे जिंदगी भर क्यों क्यों करते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। बोलो राधे राधे। पर मां मैं नारद आपको वचन देता हूं कि लोक में आपकी जन जन में प्रतिष्ठा नहीं करा दी तो मैं हरि का दास न कहलाऊं, तदा ना हम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्त। इतना सुन के तो भक्ति मां गदगद हो गई और नारद जी की प्रशंसा में स्तुति गान करने लगी। नारद जी आपकी जय हो, जय हो। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकरैः वचन रचन मेकं केवलं चाकरैः ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो भक्ति महारानी की जय। हे देवर्षि, जैसे आपने कयाधु पुत्र प्रहलाद पर कृपा करी, जैसे आपने ध्रुव पर कृपा करके उन्हें ध्रुव तारा बना करके उनका कीर्तिमान स्थापित कर दिया, ऐसे ही मेरे इन दोनों बच्चों पर भी कृपा कर दीजिए। नारद जी बोले प्रथा खेदय से वाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। माता जी चिंता छोड़िए, चिंतन कीजिए। चिंता खोखला कर देती है व्यक्ति को, चिंतन स्वस्थ कर देता है।
चिंता संसार की होती है, चिंतन प्रभु के चरणों का होता है। और भगवान के हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम, हरि की स्मृति सारी विपदाओं से छुटकारा दिलाने वाली है। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, प्रेम से गाइए, राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला, बन गया दूर हुए
बंसी वारे की जय। इसलिए देवी चिंता छोड़ो, चिंतन करो प्रभु के चरणों का। भृत्यार्ते हम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। और इतना कह के नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने में प्रयास प्रारंभ कर दिया। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम, वे वैराग्य प्रबुद्धता, सबको जगाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। कानों में खूब चिल्लाए, कोई लाभ नहीं मिला। वेद वेदांत और गीता का पाठ सुनाए, थोड़ी सी चेतना आई, आंख खोल के दोनों ने चारों तरफ देखा, फिर वे होशी में चले गए। अब चिंता में पड़ गए नारद जी, इतना हैवी डोज दिया फिर भी फायदा नहीं हुआ, अब कौन सी दवा ला के पिलाऊं। व्योम वाणी तदैवा भून मार से खिद्यतामिति, आकाशवाणी हो गई। नारद जी बिल्कुल परेशान मत होइए, उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वे वै। इनके स्वास्थ्य का जो असली लाभ जहां प्राप्त होगा वो कोई संत ही तुम्हें बताएगा। एतदर्थम तु सत्कर्म स्वरस्य त्वं समाचर, हे स्वरर्षि तुम्हें सत्कर्म करना चाहिए तभी ये स्वस्थ होंगे। नारद जी बोले तो इतनी देर से कर क्या रहे थे, वेद वेदांत सुनाया, ये सत्कर्म नहीं था क्या? कौन सा सत्कर्म सुनाऊं करूं? आकाशवाणी ने कहा संतों से पूछो, संत बताएंगे। अब नारद जी परेशान, ना तो सत्कर्म का नाम बताया ना संत का नाम बताया कि रामदेव बाबा के पास चले जाओ बता देंगे हरिद्वार में। अब कोई नाम बताया होता तो महात्मा के पास जाते, कोई संत बताएगा? संतों से तो भरी पड़ी है भूमि, अब मैं किसके पास जाऊं? जो संत मिलता है नारद जी उसी से यही प्रश्न पूछे, महाराज जी सत्कर्म किसे कहते हैं? अब नारद जी अपने आप में इतने विख्यात संत हैं कि उनको जवाब देने की किसी की हिम्मत न पड़े। अरे महाराज जी जब आपको नहीं मालूम तो हम क्या बताएं? कोई बताने को तैयार नहीं। ये बहुत बड़े जगत गुरु थे जिनके लाखों शिष्य से उनके पास गए सत्संग में, महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं? अब उन्होंने सोचा मना कर देंगे तो चेलाओं में छवि बिगड़ जाएगी, उन्होंने इशारा कर दिया। आजकल हमारे चातुर्मास में मौन चल रहा है, मौन खुलेगा तब बात करेंगे, बाद में आके पूछना। तो मूकी भूतास तथा नेतु कियंतस्तु पलायता, बहुत से भाग गए, कोई मौनी बाबा बन के बैठ गए, प्रत्युत्तर कहीं नहीं मिला। तब नारद जी ने निर्णय लिया अब हम किसी के पास नहीं जाते, सीधे बद्रीनाथ में जाके भगवान नर नारायण से पूछ के आते हैं। तो महाराज मैं बद्रीनाथ में इसलिए उनको ढूंढता फिर रहा था, वो दोनों तो मिले नहीं, आप चारों मिल गए। अब मेरा प्रश्न आप चारों से ही है, आप ही बता दो सत्कर्म किसे कहते हैं? सनकादिक बोले राम राम राम। इतनी छोटी सी बात पर इतने परेशान, मां चिंताम गुरुदेवर से, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उपाय हम बताते हैं। क्या है वो उपाय? कोई और नहीं, श्रीमद भागवतालाप सतगीत सुखादेवी। सुखदेव जी की वाणी से जो मधुर स्वर संगीत के साथ जो भागवत सुधा बरसाई गई है वह वो अमृत है जिसको पी करके ज्ञान वैराग्य भी स्वस्थ और मस्त हो जाएंगे। सत गीत भागवत क्या है? बोले मधुर गीत है, और सम्यक्तया इस गीत को जो गावे वही संगीत है। और किसने गाया? सतु गीत शुकाद भी, सुखदेव जैसे परमहंसों की वाणी से गाया हुआ यह मधुर गीत है श्रीमद् भागवत। और गीत में संगीत में आलापकारी होती है, तो श्रीमद् भागवत आलाप, श्रीमद् भागवत का दिव्य मधुर आलाप, श्रीमद् भागवत आलाप सतु गीत शुकाद भी। इसलिए बढ़िया सरस संगीत के साथ भागवत का श्रवण करो, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। देखो पुराने जमाने में जड़ी बूटियों को घिस के पीस करके चूरन बना करके वैद्य लोग देते थे, तो चूरन को भसकने में गटकने में बड़ी कठिनाई होती थी। तो कहते अच्छे एक काम करो तुम शहद के साथ मिला करके चाट लेना, फायदा हो जाता था। ऐसे ही हमारे आचार्यों ने कहा जो रूखी रूखी कथा नहीं सुन पाते चलो संगीत के शहद में मिला करके इनको भागवत का औषधि चटाओ।
तब से संगीत का शहद मिलना चालू हो गया। पर जब से शहद मिलना चालू हुआ तब से लोगों ने शहद ही शहद पिलाना चालू कर दिया, दवा गायब ही कर दी। बोलो राधे राधे। तो भाई शहद तो सहारे के लिए था, मूल रूप में तो दवा पिलाना था। अब दवा गायब कर दी, केवल शहद पिलाओगे तो स्वाद तो शहद का पूरा आएगा परंतु स्वास्थ्य नहीं सुधरने वाला। जब तक दवा उसमें पर्याप्त नहीं मिलेगी तब तक समाज का स्वास्थ्य कैसे सुधरेगा। इसलिए जब से ये शहद मिला है लोगों का स्वास्थ्य सुधर नहीं रहा। दवा तो खूब, हॉस्पिटल बड़े बड़े खुल गए हैं और इलाज भी खूब हो रहे हैं, पर स्वास्थ्य सुधरता नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि दवा के नाम पर केवल शहद पिलाया जा रहा है। बोलो राधे राधे। और मरीज को भी स्वाद शहद में ही आता है, दवा में तो मुंह बिगड़ जाता है। नेक भी कोई गंभीर वेदांति की चर्चा करो तो खर्राटे बजने लगते हैं या खिसकने लगते हैं। महाराज आज की कथा तो नेकू पल्ले ने पड़ी ना, आपने बढ़िया कोई भजन गाया ना कहीं बढ़िया ठुमका लगवाया, ऐसी कथा से क्या फायदा। हम तो महाराज आनंद लेने आए हैं, हम तो बोर हो गए। तो माने विशुद्ध कथा सुनने पचाने वाले श्रोता गायब होते जा रहे हैं, और बढ़िया ठुमका लगा लगा के बढ़िया संगीत का शहद पिलाओ, सब झूमने नाचने लग जाते हैं, वक्ता वही सफल होता है। बोलो राधे राधे। कोई विरले ही श्रोता होते हैं जो वास्तव में दवा को घटक करके अपने स्वास्थ्य सुधार का विचार करें, नहीं तो आजकल श्रोताओं का स्तर भी बहुत गिरता जा रहा है, उसके कारण वक्ताओं का भी स्तर गिर गया। भाई श्रोता यदि बढ़िया जोरदार हो तो वक्ता को तो तैयारी करके बैठना ही पड़ेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए गोस्वामी जी ने नाम लिया श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। वक्ता श्रोता ज्ञान निधि नहीं कहा, श्रोता का नाम पहले लिया, वक्ता का बाद में, क्योंकि श्रोता जैसा होगा वक्ता को वैसा ही बन के बैठना पड़ेगा। इसलिए श्रोता सुबुद्ध हो तो वक्ता भी प्रबुद्ध बन के बैठेगा, और श्रोता यदि सुबुद्ध नहीं हुआ तो प्रबुद्ध वक्ता को भी नीचे गिराएगा। बोलो राधे राधे। वो कहना भी चाहे तो कहने नहीं देगा। इसलिए श्रोता का कथा में महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम तो कहते हैं बढ़िया बढ़िया श्रोता कोई, हम इसलिए विद्वान आचार्य हमारे इस समय तो हमारे अभिषेक भैया जी जो भक्तमाल के बहुत बढ़िया वक्ता हैं, आपको सुनाएंगे ही कथा, और भागवत के भी वक्ता हैं, ये तो सब विषयों के, और ज्योतिष के तो बहुत ही जोरदार आचार्य हैं, फटाफट कुंडली में आपका सब बता दें। क्योंकि आजकल तो कुछ ऐसे हैं, तकनीक आ गई है समाज में कि लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, परंतु ये ज्योतिष के आधार पर बनाते हैं, तंत्र मंत्र के आधार पर नहीं। पर तो इसलिए कई विषयों में तो ऐसे विद्वान लोग जब सामने बैठे, हम तो कहते हैं विद्वान सामने बैठ जाए वक्ता के मुंह से कथा बढ़िया अपने आप निकलने लगेगी। श्रोता सुबुद्ध होने चाहिए, वक्ता अपने आप ही दिव्य भावों का अब उसके हृदय में संचरित होने लगते हैं भाव। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब नारद जी ने सनकादिकों को समस्या सुनाई और सनकादिकों ने समाधान में श्रीमद् भागवत की महिमा गाई, तो नारद जी बोले देहो सुनो महाराज, हमको आपकी बात गले नहीं उतरी। क्यों भाई? बोले हमने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से पूरी भागवत सीखी है, पढ़ी है, हम जानते हैं भागवत में क्या है। और मैंने ही, नारद जी कहते मैंने ही व्यास जी को प्रेरणा दे करके भागवत का विस्तार करवाया, और मैं ये भी जानता हूं भागवत वेदों का भाष्य है, वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या श्रीमद् भागवत में। और महाराज मैं निवेदन कर चुका हूं, मैं चारों वेद सुना के आया हूं। जब वेदों के सुनने से ही फायदा नहीं हुआ तो फिर भागवत के सुनने से क्या हो जाएगा, जिसमें वेदों के ही सूत्रों की व्याख्या है, ये मेरी शंका है। इसलिए आपकी बात हमारे गले नहीं उतरी। सनकादिक मुस्कुरा के बोले नारद जी एक प्रश्न हम पूछें। बोले पूछो। बोले कोई आम का रस खा चूस करके ये विचार करे कि जब आम के फल में इतना रस है तो आम के वृक्ष में कितना रस होगा जिससे ये फल पैदा हुआ है, और फल को फेंक करके सीधा वृक्ष चबाने चला जाए तो क्या उसे रस मिल जाएगा? कदापि नहीं, ज़्यादा जोर लगाया तो बत्तीसी और बाहर आ जाएगी, फल का रस नहीं मिलने वाला। क्योंकि वृक्ष में जो रस है वो फल के माध्यम से ही आपको प्राप्त होगा, डायरेक्ट वृक्ष से नहीं मिलेगा। ऐसी भागवत क्या है? वेद रूपी वृक्ष का फल है,
निगम कल्प तरोर गलितम फलम। इसलिए जो रस भागवत के फल से मिलेगा वो वेद रूपी वृक्ष में आपको मिलने वाला कदापि नहीं। दूध से घी निकाला जाता है और जो काम घी कर देता है वो दूध नहीं कर सकता। बढ़िया शुद्ध घी का भंडारा चल रहा है, अब घी खत्म हो गया तो कोई कहे चलो घी नहीं है तो दूध तो भरा है, दूध से ही निकाल लो पूड़ी। तो क्या दूध में पूड़ी सक जाएंगे कि दूध से अखंड दीपक जल जाएगा? जितने काम घी कर सकता है वो दूध कभी नहीं कर पाएगा। अब आप भले ही तर्क दो कि दूध तो घी का भी बाप है, पैदा तो दूध से ही हुआ है घी, पर दूध दूध है घी घी है। गन्ना का रस ही शक्कर बनता है, परंतु मिठाई बनाने में शक्कर ही डालनी पड़ेगी। गन्ना का रस डालोगे मिठाई नहीं बनेगी। ऐसे कई उदाहरणों से जब समझाया, दृष्टांतों से बात समझ में आ जाती है, तो नारद जी की शंका निर्मूल हो गई और हाथ जोड़ के कहा भैया एक बात तो आज हमने समझ ली। क्या? कि कितना भी धर्म शास्त्र पढ़ लो, शास्त्र तो समुद्र है, समुद्र में पानी पर्याप्त है, पर आपको तो मेघों के बरसाए जल से में ही स्वाद आएगा। जो मेघ समुद्र से ही भर के लाते हैं पानी, परंतु मेघों का पानी मीठा होता है और डायरेक्ट समुद्र में पीने चले जाओ तो आचमन भी नहीं कर पाओगे, इतना खारा होता है समुद्र। देखा जल देखने में तो प्यारा पर पानी पूरा खारा। इसलिए वेद शास्त्र जो हैं वो समुद्र हैं और संत बादल हैं, जो समुद्र से ही शास्त्रों से ही सूत्र पकड़ के लाते हैं, चिंतन करके मंथन करके अपने प्रवचनों के जल से बरसाते हैं, तब उनकी बात जो हृदयंगम होती है वो शास्त्र में लोग भटक जाते हैं। वेद शास्त्र वेद पुराण उदधि घन साधु। वेद पुराण क्या है? उदधि है, समुद्र है, और घन है साधु जो बरसात करके उन्हीं सूत्रों को बरसाते हैं। गदगद होके नारद जी ने सनकादिकों को प्रणाम किया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदांधकार नाशं विधाय हेतदो दयते विवेक। इसी का बिल्कुल अनुवाद, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा सुलभन सोई, राम कृपा सुलभन सोई, राम कृपा सुलभन सोई, राम कृपा सुलभन सोई, बिनु सत्संग विवेक बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, पर सत्संग प्रभु की कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। आवत यह सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। राम जी की कृपा के बिना कोई आना भी चाहे तो नहीं आ सकता। बहुत से लोग छुट्टी लेके बैठ जाते हैं कि हम तो 7 दिन की छुट्टी लेकर के नैमिषारण्य में कथा सुनेंगे, और ऐन वक्त पर ऐसी समस्या कोई ना कोई आ पड़ती है कि रिजर्वेशन धरे रह जाते हैं, छुट्टियां भी बेकार चली जाती हैं। तो प्रभु की कृपा से ही संभव होता है सत्संग। मैं तो आपके मुख से एक बार भागवत सुनना चाहता हूं। सनकादिक बोले नारद जी हम भी सुनाने को तैयार हैं, चाहे सुनाओ या सुनो, दोनों में सत्संग है। तो कहां सुनाओगे महाराज? बोले चलो हरिद्वार में। तो बद्रीनाथ से उतर के हरिद्वार में कथा कराने आए। क्यों जी? दुनिया तो बद्रीनाथ में कथा कराने जाती है, हम भी जा रहे हैं 10 अगस्त से इसी पुरुषोत्तम मास में बद्रीनाथ में कथा होगी।
अब आगे तो ठाकुर जी की मर्जी है कृपा, क्योंकि पर्वतीय यात्रा का पता तो चलता नहीं, तो निश्चित तो है अयोध्या के संत सब करा रहे हैं। अयोध्या में जो दशरथ महल सबसे ऊंचा पद माना जाता है, तो वहाँ के जो श्री महंत हैं उन्होंने आयोजन किया है और अयोध्या के बहुत संत जा रहे हैं। अब आगे तो ठाकुर जी की मर्जी है, वो बद्रीनाथ में कराएंगे कि अयोध्या में कराएंगे। तो बद्रीनाथ तो दुनिया जाती है, परंतु यहाँ नारद जी उलट के बद्रीनाथ से नीचे आए, हरिद्वार में कथा कराएंगे। क्यों? गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नाम, उसका भौतिक दृष्टि से विचार करें तो उस जमाने में बद्रीनाथ लोग गिने चुने जाते थे। बद्रीनाथ चार धाम में कब जाते थे? जब घर से फ्री हो जाए, कि बेटा बेटियों के विवाह हो गए, जिम्मेवारियां खत्म, अब चलो चार धाम करें आए, लौट आए तो ठीक ठाक, नहीं तो जय सियाराम, तब जाते थे लोग बद्रीनाथ। अब तो महाराज हर साल जाओ, पिकनिक मनाने लोग जाने लगे थे। जब पिकनिक मनाने जाने लगे तो भोले बाबा का मूड खराब हो गया, केदारनाथ भगवान का, ऐसी आंख खोली महाराज के, सबको डरा दिया, अब लोग जरा सोच समझ के ही जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, धाम में धाम की दृष्टि से जाना चाहिए। तो बद्रीनाथ में यदि कथा होती तो चार तो वक्ता होते और एक श्रोता होता, नारद जी अकेले श्रोता और सनकादिक चारों भैया वक्ता, कैसी विचित्र कथा होती। अरे श्रोता बहुत होना चाहिए, वक्ता तो एक ही पर्याप्त है। इसलिए हरिद्वार में इसलिए आए कि पर्वतों में गुफाओं में घुसे हुए महात्मा सुनने का मन बनाएंगे तो नीचे उतर आएंगे, और नीचे संसार के दिल्ली बम्बई कलकत्ता जयपुर के जो श्रोता होंगे वो थोड़े ऊपर आ जाएंगे। हरिद्वार तक कोई भी पहुंच सकता है, हरिद्वार के बाद पर्वतीय यात्रा प्रारंभ होती है। द्वार माने देहरी, देहरी में दीपक जला दो तो भीतर बाहर दोनों तरफ उजेला हो जाता है। इसलिए इस अध्यात्म दीप श्रीमद भागवत को हरिद्वार के बीच देहरी पर जलाया गया, ताकि भीतर बाहर ऊपर नीचे का अंधकार सब दूर हो जाए। राम नाम मणि दीप धर जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर उजो चाहस बुझया, इसलिए प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। अध्यात्म दीप मतिति तीरिषिताम तमोंधम, इसलिए इस अध्यात्म दीपक को हरिद्वार की देहरी पर जलाया। ये तो भौतिक बात, आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करके देखो, कथा में दिव्य रस कब आता है? जब आप बिल्कुल भीतर ना रहो, बिल्कुल बाहर भी ना रहो। भीतर रहने का मतलब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये भीतर की यात्रा है, इसको पर्वतीय यात्रा कहते हैं। पहाड़ों पर चलना बहुत कठिन होता है, सावधानी का होता है, तो पर्वतीय यात्रा है यम नियम आदि का पालन करते हुए, क्योंकि जहां समाधि में गए तो बिल्कुल आत्मस्थ हो गए। ध्यान और समाधि में पहुंचने के बाद शरीर संसार का भान ही नहीं रह जाता, और जब शरीर संसार का ही भान नहीं है तो कथा कैसे सुनोगे भाई? इसलिए एकदम अंतर्मुखी मत हो जाओ और एकदम बहिर्मुखी भी मत बनो। जो बहिर्मुख लोग होते हैं वो भी कथा नहीं सुन पाते। यहां तो आप लोग कथा सुनने के लिए ही आए हो, परंतु जब शहर में कथा होती है तो प्राय लोग सुनने कम आते हैं, व्यवहार निभाने ज्यादा आते हैं, कि चलो साहब उनका कार्ड आया था, आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, चलो वहीं हाजिरी लगाए आते हैं, और आकर के बैठ गए, और जब तक आयोजक ने नहीं देखा तभी तक बैठते हैं। जहां एक बार राम राम हो गई, परीक्षित जी ने देख लिया कि हम आए थे, बस सोई घड़ी देखना चालू कर देते हैं, बस हो गई कथा तो होती रहेगी, चलो अपना काम निपटाओ। ये व्यवहारिकता होती है। तो जो घोर प्रपंची बहिर्मुख प्राणी हैं वो कथा नहीं सुन पाते, पग पग पर घड़ी देखते हैं, और जो बिल्कुल अंतर्मुखी होते हैं उन्हें शरीर का ही भान नहीं है, कथा कैसे सुनेंगे? इसलिए कथा बिल्कुल अंतर्मुखी भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बहिर्मुखी भी नहीं होना चाहिए, बीच की देहरी में होना चाहिए। भीतर भी गोता लगाते जाओ आनंद के, और थोड़ा बाहर ध्यान रहेगा तभी तो कान में कथा जाएगी। इसलिए जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, ध्यान समाधि छोड़ करके कथा सुनने के लिए संत आते हैं। तो ऊपर से थोड़ा नीचे उतरो, नीचे से थोड़ा ऊपर उठो,
तभी कथा का पूरा रस प्राप्त कर पाओगे। इसलिए हरिद्वार की बीच दहरी में कथा हुई और जैसी कथा का पता चला, भृगु जी ने खूब प्रचार किया, लोग दौड़ दौड़ के आने लगे। भृगुर वशिष्ठश्चमनश्च गौतमो मेधातिधिर देवल देवरातो, बड़े बड़े महात्मा पधारे। जो नहीं आ रहे थे भृगु जी उन्हें पकड़ पकड़ के लाए, समझा समझा के लाए। क्या जरूरत पड़ गई भृगु जी को जो पकड़ के ला रहे? बोले देखो, आप कथा में आ रहे हो और चार लोग ताश खेल रहे, आपने उनसे कहा अरे भैया जिंदगी पड़ी है और बात में खेलते रहना, इस समय बड़ी जोरदार कथा हो रही है, भगवान के गुणानुवाद गा रहे हैं, अरे आप एक बार चल के सुनो तो सही, हमारे कहने से एक बार चलो, आगे कल तुम्हारी मर्जी। तो आपके दुराग्रह से और आपके समझाने से यदि उनके बात समझ में आ गई और वो कथा में आ गए चारों भाई, तो उन चारों को जो कथा सुनने का पुण्य मिलेगा उसका दशांश आपको भी मिलेगा जिसने प्रेरणा दी है। इसलिए संत बीमा कंपनी के एजेंटों की तरह होते हैं। एजेंट लोग इतनी तारीफ करते हैं, साहब ऐसी गजब की पॉलिसी आ रही है, आप तो बस ये बीमा करवा लो, फिर योगक्षेमम वहम्यहम, फिर तो कंपनी सब प्रकार से तुम्हारा कल्याण कर देगी। तो लोग करोड़ों रुपए लगा देते हैं कंपनी में, पर सबसे पुरानी कंपनी हमारे ठाकुर जी का वचन है योगक्षेमम वहम्यहम। तो कंपनी वाले जब बोलते हैं तो हमें विश्वास हो जाता है, जो सबसे 5000 साल पहले बोल चुके हैं उनकी वाणी पर भरोसा नहीं। अरे भाई, कंपनी जितनी पुरानी होती है उतनी विश्वसनीय होती है। तो ठाकुर जी का वचन है उन पर विश्वास करो, हैं? रक्षिष्यति च विश्वासो गुप्तक्त वर्णम तथा। तो ठाकुर जी के वचन पर विश्वास करना चाहिए। और इसलिए भृगु जी सबको पकड़ के लाए। एक संत के द्वारा जितने वैष्णव बनाए जाते हैं, ठाकुर जी के दास बनाए जाते हैं, ठाकुर जी के धाम में उस संत का अपने आप ही रिजर्वेशन हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे कारण मेरे इतने भक्त बने, इतने जीवों का तुमने कल्याण किया। जैसे एजेंट जितना बीमा कर देता है कंपनी में, उसका उतना ही महत्व बढ़ जाता है, गाड़ी बंगले तक मिल जाते हैं कंपनी की तरफ से बढ़िया बड़े एजेंटों को। उसी प्रकार भृगु जी भी सबको पकड़ पकड़ के ला रहे। जैसी कथा का शुभारंभ हुआ, सनकादिकों ने खूब कीर्ति गाई, सदा से व्या श्रीमद भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भगवान की कथा हर समय श्रवण करने योग्य है। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, दिन मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, जब फुर्सत हो तब सुनो। सुनने से होगा क्या? हरिश्चित्तम समाश्रय, वो चित्त चोर कर्ण कोहरों से तुम्हारे चित्त में हमेशा के लिए आके चिपक जाएगा। ये बंसी वाला टेढ़ी टांग वाला जल्दी किसी के हृदय में आता नहीं, और एक बार घुस गया तो लाख प्रयास कर लो फिर जाता नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। यही टेढ़ी टांग वाला इसलिए तो टेढ़े बन के आए। एक बार एक देवर्षि नारद वृंदावन धाम गए, तो जमुना के तट पर देखा एक ब्रज गोपी लगा समाधि ध्यान मग्न बैठी है। नारद जी को बड़ा कौतूहल हुआ कि जिस परमात्मा का योगिंद्र मुनीन्द्र ध्यान करते हैं वो गोविंद तो इन गोपियों के आगे पीछे ठुमका लगाते घूमते, तो ये किसका ध्यान करने आई है उसको छोड़कर। तो जैसे गोपी के नेत्र खुले, नारद जी को देखते ही उसने प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, देवी जी एक बात बताओ, ये तुम ध्यान किसका कर रही थी? बोली वाली गोपी, बोली महाराज मैं का जानू ध्यान व्यान का होए, मैं आफत की मारी अपनी समस्या को समाधान खोज रही हूं। नारद जी बोले, तुम्हारी समस्या क्या है? ने कहा, मैं बताऊं। गोपी भोली भाली बोली, महाराज मेरी समस्या बहुत तगड़ी है, आप समाधान दे सको तो सुनाऊं, नहीं तो का फायदा सुनावे थे। नारद जी बोले, तुम हमारा नाम नहीं जानती, हम नारद हैं, दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं जो दूर ना कर दें। महाराज तो बड़ी कृपा होगी, ने बैठ जाओ। और गोपी ने समस्या सुनाई, महाराज सबसे बड़ी समस्या है टेढ़ी टांग वालों नंद को छोड़ा। क्यों, इनसे का समस्या है? अरे महाराज समस्या ही समस्या है, अब आगे पीछे की तुम छोड़ो, आज की ही सुनो। आज मैं सवेरे सवेरे जगी, मेरी सास बोली, बहू जा गैया धोला,
मैंने दोनी उठाई, गौशाला में गैया दोवे चली आई, और जैसी मैंने गैया दोई सोई नंद को छोरा मेरे बगल में आके खड़ो है गयो, और तिरछी चितवन से मुस्कुरा तो भयो बोलो, अरे भाभी सबरोई दूध दोलेगी, मैं सवेरे को भूखो डोल रहा हूँ, एक मोहिये पिवाए दे। मैं बोली कि नहीं आ, तू भूखो है, चल मेरे पास आके इतमाऊँ बैठ, बढ़िया ताजो धारोष्ण दुग्ध पिवाऊँ। और नंद को छोरा मेरे बगल में मोहड़ो फाड़ के बैठ गयो। मैंने बर्तन की जगह सबरो दूध बाकी मोड़े में धो दियो, मैं धोती गई वो गटागट पी तो गयो, और इतने में मेरी सास पीछे से आ गई, हे बहू तेने सत्यानाश कर दियो, भांग पी के डोले के मती मारी गई है, बर्तन सामने धर्रा को है, दूध बगल में धो रही है, सब दूध धरती में गिर दियो। तब ध्यान आयो कि सचमुच दूध तो धरती में ही पड़ो भयो है, यहाँ तो कोई नंद को छोरा ना है। मैं चारों तरफ देखूं कि तमाऊ भाग गयो भाई, परंतु बाद में समझ में बात आई कि नंद को छोरा आयो ही ना है, ये मेरे चित्त के चिंतन को चित्त चोर है, जो चिंतन के बल पे जबरदस्ती मेरे सामने आके खड़ो है जाए। मेरी केवल ये कल्पना थी कि नंद को छोरा आके ऐसे बूते बोले। पचासन गारी मेरी सास ने सवेरे सवेरे दही मुँह को सुननी पड़ी, अंत में झल्ला के बोली, अब मेरा मौका देख रही है, दूध को सो सत्यानाश कर ही दियो तेने, अब जल्दी से धान कूट ले, मैं मुँह को भात बनानो है। मैं भाग करके आई, मूसल उठा के धान कूटवे लग गई। सोई नंद को छोरा फिर मेरे सामने आके खड़ो है, मुस्कुरा के बोलो, भाभी कैसे मोह लटकाए खड़ी है, सास ने कछु ज्यादा सुनाई दी का? मैं बोली कन्हैया हम सास बहू में तो होती रहे, तू बता तू कैसे आयो। और मैं भगवान जाने बातें काका बातें करती रही, होश तब आयो जब सास की आवाज कान में पड़ी, हे बहू कौन से बड़बड़ाए रही है। तब मुँह को होश आयो, यहाँ कोई नंद को छोरा ना है, मैं तो अपने आप से ही बात कर रही हूँ। मेरी सास ने फिर पचासन गारी दी, भगवान जाने जाकी मती मारी गई है कि भांग पी के डोलती रहे, अपने आप में से ही अकेले में बात करती रहे। अब तू जल्दी जा, पानी की बूंद ना है घर में पीवे को, जमुना जल भर के ला। तो मटका लेके मैं जमुना तट पे आ गई, महाराज मैंने जमुना जल तो भर लियो, मटका ने के भारी मैंने पूरी शक्ति से उठायो, पर मुँह पे उठते ना बनो, सुई नंद को छोरा आ गयो। अरे भाभी मैं ऊँचाई दऊँ का? मैं बोली कन्हैया बड़े मौके पे आयो, ने एक सहारो लगाए दो। आनंद के छोरा ने हाथ लगायो, मैंने मटका उठायो, उठाते ही धम गिर के फूट गयो महाराज। अब मटका फूट गयो, पानी बिखर गयो, अब मैं घर खाली हाथ जाऊंगी तो पचास नगारी फिर खाऊंगी, सास मुकू घर में ना घुसन देगी, ये तो बिल्कुल बाबरी है गई है, निकालो जाकू घर से। तो महाराज मेरी बसी बसाई घर गृहस्थी सब चौपट हो बेवारी है, अब आप कछु कृपा करो, समस्या तो मैंने ये आज की बताई है, आगे पीछे की तो भगवान जाने कितनी समस्या है मेरी, तो महाराज मुँह पे कृपा करो, या चित्त चोर को मेरे चित्त से निकाल के बाहर करो, अन्यथा या के चक्कर में मेरी बसी बसाई गृहस्थी सब चौपट है जाएगी। इतना सुन के नारद जी तो सिर पकड़ के बैठ गए और मन ही मन विचार करने लगे, प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषयतो यस्मिन मनोधिष्यति। अरे बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगिन्द्र मुनिन्द्र ज्ञानी ध्यानी संत सन्यासी सब घर परिवार छोड़ के जंगल में जाके धूनी रमा करके भस्म लगा करके कोई शीर्षासन में बैठ खड़े हो करके कैसे कैसे साधन करते हैं, केवल इसलिए कि विषयासक्त चित्त को विषयों से निकाल के भगवान के चरणों में कैसे लगाया जाए। सारे साधनों का एक ही फल है, विषयी चित्त विषय से विनिर्मुक्त हो करके भगवान के चरणों का अनुरागी बन जाए। और इतना सब साधन करने पर भी बार बार यह चित्त विषयों का ही चिंतन करता है। पर मुग्धेयम् किल पश्य तस्य हृदयात् निष्क्रांति माकांक्षति। धन्य है ये ब्रज की वनिता कि बड़े बड़े संत जिस चित्त चोर को चित्त में लाना चाहते हैं और विषयों को चित्त से हटाना चाहते हैं, और ये ब्रज गोपी उस चित्त चोर को चित्त से निकालना चाहती है और विषयों का चिंतन करना चाहती है। पर धन्य है ये बंसी वाला टेढ़ी टांग वाला जो इसके चित्त में ऐसा चिपक करके बैठ गया है कि लाख प्रयास करने पर भी बाहर निकलने को तैयार नहीं है। बढ़िया हवादार बंगला समस्त सुख सुविधाओं से संपन्न किसी को रहने को मिल जाए, किराए से ही सही कुछ दिन को ही सही, तो जल्दी से यात्री उसको खाली करना नहीं चाहता।
इतना बढ़िया बंगला कहाँ मिलेगा, ऐसे ये सारे भवन हैं। ठाकुर जी सारे भवनों में झांकते ताकते रहते कौन सा भवन कैसा है, पर हम लोगों के भवन में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर ईर्षा द्वेष छल कपट इतनी भीड़ भरी हुई है कि ठाकुर जी दूर से देखते ही समझ जाते हैं कि हाउसफुल, यहाँ तो भीतर घुसने की ही जगह नहीं है, सो दूर से ही देख करके घिसक जाते हैं। पर ब्रज गोपियों की तरह विशुद्ध अंतःकरण निर्मल मन जिनका होता है, श्री हनुमंत लाल जी जैसा विशुद्ध अंतःकरण जिनका होता है, जिनके हृदय में राम जी घुस करके परमानेंट अपना निवास बना लेते हैं। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। राम जी ने हनुमान जी के हृदय में डेरा जमा लिया और श्याम जी ने ब्रज गोपियों के हृदय में अपना आसन जमा लिया। तो चित्त शुद्ध हो तो चित्त चोर को बुलाना नहीं पड़ता, वो खुद ही खिंचे चले आते हैं और हृदय में आसन जमा लेते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। इस दिव्य भागवत सुधारस पान करने से चित्त शुद्ध हो जाता है। वाक गदगदा द्रवते यस्य चित्तम द्रविण, यही तो द्रविण देश है। द्रविण देश का मतलब क्या है? भक्ति का प्रादुर्भाव की भूमि द्रविण देश। जब हृदय द्रवित होने लगे, प्रेमाश्रु छलकने लगे और शरीर रोमांच कंटकित होने लगे, समझ लो चित्त पिघल गया। और चित्त जब देखो, एक डाकघर में एक लाख होती है लाल लाल, उसको आग में तपा दो वो पिघल जाती है, और पिघल करके फिर एक मोहर लगा दो तो वो मोहर छप जाती है। बिना पिघलाए मोहर नहीं छपने वाली, ऐसी चित्त हमारा निष्ठुर है, पर हरि के गुणगण उसको पिघला देते हैं। प्रभु के गुणों से जब चित्त द्रवीभूत हो जाता है तो चित्त चोर की मोहर इस चित्त में छप जाती है, और वो ऐसे छप जाते हैं कि फिर जल्दी से निकलते नहीं। तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं इस सप्त दिवसीय इस दिव्य ज्ञान गंगा में हम लोग गोता लगाएं, चित्त को शुद्ध करें और हमारे चित्त चोर हमारे चित्त में भी इस प्रकार से चिपक जाएं कि हम चाहें करें भी उन्हें बाहर निकालने न पाएं, तब हमारा जीवन सार्थक श्रवण सार्थक हो जाएगा। यहाँ तो संगम हो रहा है, श्रीमद् भागवत की भागीरथी भी प्रवाहित होगी और भक्तमाल की गंगा भी प्रवाहित, मंदाकिनी भी प्रवाहित होगी। तो इस दिव्य पावन संगम में आप लोग गोता लगा के चित्त को शुद्ध करें और विशुद्ध चित्त में चित्त चोर को लेकर के ही यहाँ से जावें, तभी यह सत्संग की सार्थकता सिद्ध होगी। कथा तो आप जैसे सुबुद्ध श्रोता शांत होकर के सुन रहे हैं तो विषय विस्तार आप जैसे महात्मा तो पूरा होना चाहिए था, परंतु आज्ञा आप नहीं देते, 6:30 बजने वाले हैं, तो इसलिए हमारी कथा जो होती है ना समास और व्यास दोनों विधि से होती है। समास माने थोड़ा कभी संक्षिप्त और कभी विस्तार, इसी ढंग से सप्ताह की शताब्दी चलती है, क्योंकि 7 दिन में 18,000 श्लोकों की संपूर्ण व्याख्या तो विस्तार करना कठिन होता है, परंतु समास विधि से सार रूप में सब कुछ आपको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज थोड़ा वाहन के पहुँचने में भी विलम्ब हो गया, इसलिए हमको आने में भी थोड़ा विलम्ब हुआ। समय पर वाहन पहुंचे तो हम चाहेंगे कि 3 बजे कथा प्रारंभ ठीक समय पर हो जाए। हाँ, कल से तो प्रातःकाल है, हाँ तो समय पर साधन पहुंच जाए तो हम समय, हमारे संगीतकार सब 9:30 बजे से सत्संग प्रारंभ कर देंगे हनुमान चालीसा के साथ, और ठीक 10 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी और 1 बजे विश्राम। तो चूँकि हम दूर रुके हैं तो इसलिए साधन के प्रति विवश हैं, जब तक साधन समय पर नहीं पहुंचेगा तब तक हम भी समय पर यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए थोड़ा साधन का भी आप लोग ध्यान रखें ताकि हम भी, क्योंकि हम जब विलम्ब से आएंगे तो लोग तो ये कहेंगे महाराज जी बहुत लेट आते हैं, इसलिए आप साधन का ध्यान रखें, हम समय का ध्यान रखें ताकि आप लोग सब काम समय पर विधिवत करते रहें, ऐसा हमारा भी प्रयास और ऐसा आपका भी प्रयास होना चाहिए। आइए अब हरि नाम संकीर्तन आज के सत्संग को विश्राम देते हैं और कल से आपको प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक सत्संग सत्र और रात्रि 6 बजे से 8 बजे तक भक्तमाल की दिव्य भागीरथी प्रवाहित होगी। आइए मिलके अब हरि नाम संकीर्तन करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जैसे ही भागवत की कथा की महिमा सनकादिकों ने गाई कि भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ ताता थैया करके प्रकट हो करके नृत्य करने लगी और क्या गाने लगी, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद श्री राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे श्रीमद भागवत महापुराण की जय। श्री वे
वेद व्यास भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर। आइए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर भागवत भगवान की आरती का सभी भक्त अपने स्थान से दर्शन करें। ओम ज्वालामालिनी नमः रत्नेश्वर्यै नमः ओम चंद्रमा मनसो जात सक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। बे हरे तेरे आरती गाओ, बे हरे तेरे आरती गाओ, बे हरे तेरे आरती गाओ, बे हरे तेरे आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सो मुकुट तेरे शीश पर सोए, प्यारे वन से मेरो मन मोहे, प्यारे वन से मेरो मन मोहे। देख छवि बन आरी में जाऊं, शिवा के बिहारी बाकी बिहारी।